वास्तव में यू नो इंडिया का टाइम आ गया है आई थिंक इट्स अ गोल्डन टाइम टू ऑन्टरपोर्ट लाइक जिस तरह के बिजनेस अभी इंडिया में बन सकते हैं नॉट ऑनली फॉर फ्रॉम इंडिया फॉर इंडिया बट आल्सो फ्रॉम इंडिया फॉर द ग्लोब तो हमने द बैड एस्पेक्टर्न लाइफ स्टाइल को पूरी तरह अडॉप्ट कर लिया है बट

मिंत्रा कैसे बना मिंत्रा ने गलतियाँ कैसे कैसे करी रिसेशन जो आ रहा है उस टाइम पे कैसे बिजनेसेस बनते हैं क्या करना चाहिए यंग लोगों को कि वो रिसेशन के टाइम पे भी बहुत बड़े बिजनेस बना सकते हैं नाइकी से उन्होंने क्या सीखा वो जब यूएस में थे काम कर रहे थे तो अमेरिका में ऐसा क्या सीखा उनके बाद कौन सी एज सही है बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए और क्या क्या करना चाहिए उस बारे में हमने बात करी ऑल्सो पैसा सबसे ज़रूरी नहीं है लेकिन ऐसी क्या चीज़ है जो पैसे से भी ज़्यादा ज़रूरी है उस बारे में भी हमने बात करी एपिसोड विल टीच यू अबाउट ब्रांड बिल्डिंग अबाउट इंडिया को कैसे समझते हैं अबाउट कोई भी इंसान कॉम्पिटिशन में अलग से स्टैंड आउट कैसे करता है वर्ल्ड की सारी बड़ी कंपनी हमने सीखा ये टाटा से नाइकी से एप्पल से मिंत्रा से नायका से इन सब के लेसन्स इस पॉडकास्ट में देखने को मिलेंगे इन्जॉय द शो योरप बिग हेल्थ एंड फिटनेस फैनेटेक दैट एक्सप्लेन्स तो ऐसी कुछ चीज़ें करी मिंत्रा में आपने कुछ रूल्स सिस्टम्स कुछ चीजें डाली थी वेर यू और जिस ट्राइंग की हर कोई ये फॉलो करना स्टार्ट कर दे ताकि एव, सब लोग का एक फिटनेस क्वेश्चन ऊपर काफी चीज़ किया बट शुड की बट्राज अ फैशन फर्स्ट एंड फिटनेस सेकंड तो सबसे पहले तो मिंट्रा में लोगों का स्टाइल क्वेश्चन बढ़ाने के लिए बहुत सारी चीजें थी थिंक सी वीर ओल्ड स्टूडियो राइट इन द लॉबी जैसे रेस्टोरेंट में देखा ना वो आप देख सकते हैं वो कुक mm कुक -hmm. कर रहा है वो ग्लास पटेशन yeah. होता है और आपको दिख रहा है खाना कैसे बना रहा है तो वी हैड मैनी स्टूडियोज टू शूट कैटलॉग एक स्टूडियो हमने लॉबी में बना दिया था विद अ ग्लास वॉल्परेंट तो लॉबी में आकर जो भी वेट करता था उसको वहाँ पे वो मॉडल्स आ <laughs> रहे हैं उनका यू नो फोटोशूट वीडियो शूट नाइस तो बट इन जनरल यू नो द कल्चर वी यूज टू सेलिब्रेट लॉड ऑफ थिंग ऑर स्टाइलिंग एनी बडी न्यू एम्प्लॉयजन

द टाइम्स थिंक विल इट रियली स्ट्रेसफुल यू नो फंडिंग इशूज़ यू नो टीम इशूज़ प्रोडक्ट इशूज़ कस्टमर इशूज़ तो आई रियलाइज कर द डे आई वुड वर्कआउट माई एबल टू डील विद्स विल विल लॉट बेटर थोड़ा दिमाग शांत रहता है यू नो आई विल नॉट टेक टू मच स्ट्रेस मोर पेशेंट यू नो एंड मे बी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबल टू प्रॉब्लम सॉल्व बेटर तो इवेंचुअली ऐसा हो गया था कि मेरे को लगता था कभी मेरा दिन बुरा जा रहा है और मैं सुबह वर्कआउट नहीं आया तो फिर आफ्टरनून में मैं दो तीन मीटिंग कैंसिल करूँगा एक बजे गो होम आराम से वर्कआउट करूँगा एक घंटे लाइक रियली स्वट इट आउट रन समथिंग कम बैक एंड देन आई विल बिल्ट लू सो मच बेटर जो लेकिन मैं डे नाइट डिफरेंस बिटवीन यू नो वट इट वॉज फॉर मी नो बिफोर वर्कआउट एंड आफ्टर वर्कआउट इंटरेस्टिंग. सी फील की जब भी ऐसा दिन बेकार जा रहा है तो आधा घंटा दौड़ लो एब्सुल्यूटली आई थिंक इट विल सॉल्व एवरी थिंग यू नो फिटनेस इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट यू नो स्ट्रेस बस्टर एंड ऑल्सो स्ट्रॉन्ग एंटीडोर टू ऑल में इट्स अ गिफ्ट दैट कीवस गिविंग Nice, nice. तो कोई स्टूडियो so आपने लगा दिया सेकंड ऑफिस के अंदर ही जिम लगा दिया ठीक right. है थर्ड कोई स्पेसिफिक चीज़ ये यार कल्ट वॉक हमने बहुत ज्यादा किया था ये तो इन अभी हम वॉकिंग बात okay. कर रहे थे कल्ट के um, क्योर फिट के शुरू के दो साल में ऑलमोस्ट मेरे सारे इंटरव्यू मेरे को फाउंड अंकित उसके भी सारे इंटरव्यूज वॉकिंग इंटरव्यू होते थे ओके okay. तो हमारा छोटा ऑफिस था उस वक्त

पेरेंट्स फर्स्ट टाइम मिंत्रा वगैरह की एड जाती थी जब right. तब बात करते तो घर वाले बोलते थे इनको पैसे दे दें और भाग गए तो ऑनलाइन <laughs> <laughs> right, yeah. like, पहले क्यों you ना know, ये कल्चर ही नहीं था कि आप पहले पैसे पे कर दो correct, correct, correct. फिर चार पाँच दिन बाद आपके घर right. में चीज़ That's आएगी it, yeah. और फिर ना ऑन दैट नोट इवन आई रिमेंबर वन इंटरेस्टिंग एनी डोट ऑल्सो एक शुरू के शुरू के दिन जब हम इन्वेस्टर hmm. को सबा रहे थे कि ऐसे ऑनलाइन पे आप uh, सामान सेलेक्ट कर लो और ऑनलाइन पर क्रेडिट कर से पेमेंट कर दो तो मुझे मुझे बताओ वो कंप्यूटर में क्रिएटर घुसाओगे कैसे <laughs> <laughs> तो वहां से समझाने से वो बनाने में बट गोइंग फर्दर बैक आई स्टार्ट टू थाउजेंड सेवन बट उसके पहले मैं दस साल आई वॉज इन यू एस तो वहां पर इंजीनियर प्रोडक्ट मैनेजर और ऑनलाइन शॉपिंग लेट नाइन्टीज से बिग थिंग शॉपर तो नौ दस साल में तो पूरा मेरा तो घर का सारा कुछ वो Amazon पे ही चलता था राइट दैट सो फॉर मी इट वॉज नेचर इन वेज बट इवन दैन मैने मूव बैक टू इंडिया पहले स्टे चमका नहीं कि इंडिया में ई कॉमर्स करना चाहिए आई वॉन्ट समथिंग ऑनलाइन भी स्टार्ट विदेरी बुटीक आइडिया इन यू एस सो आई डिड माई नो ग्रेजुएशन पा आई डी कानपुर आई गॉट फर्स्ट जॉब इन यू एस एज अ बिजनेस एनलिस्ट तो दो साल वो क्या नाइनटी नाइन में डॉट कॉम वूम वॉज गोइंग थ्रू द रूफ लाइक इफ यू आर इन द टेक वर्ल्ड एंड यू आर नॉट इन सिल्कन वैली यू फील लाइक इट्स अ वंस इन अट इन सेंचुरी वंस इन मिलेनियम मिलेनियल रिवोल्यूशन देर यूर मिसिंग आउट ऑन तो नाइनटी नाइन मेंज ट्वेंटी थ्री ईर ओल्ड पैक माई बैग कन्विंस वन मोर गाई की यार सिल्कन वैली में जाकर कंपनी चालू करनी है तो hmm. so, दोनों ने हमें जॉब छोड़ दिया ऑलमोस्ट बिना नोटिस पीरियड के विथ ड्रॉ फ्रॉम शिकागो टू सिल्कन वैली वहाँ पे और फ्रेंड थे तो उनके जस्ट हैंंगिंग आउट देर हाउस वेर नो मनी एट द टाइम तो मनी भी नहीं था जॉब भी, भी नहीं थी और वीज़ा भी नहीं था क्योंकि okay. तो यू में वीज़ा करने के लिए यू हैव टू है जॉब जॉब बट कंपनी चालू करनी थी <laughs> so, तीन चार महीने बहुत फाइट मारी बट रियलाइज हुआ कि दोनों को ना तो उसको कुछ पता है ना मेरे को कुछ पता है <laughs> तो वन गुड डिसीजन आई मेड द टाइम कि ठीक है अगर मेरे को अभी पता नहीं है बट मैं स्टार्टअप्स के लिए काम करूंगा hmm. जब तक आई कैन फिगर दिस आउट तो नाइनटी नाइन से टू थाउजेंड सेवन तक चार डिफरेंट स्टार्टअप में काम किया uh, पहले एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर बाद में एज ए प्रोडक्ट मैनेजर ओके एंड वो अर्ली स्टार्टअप थी तो काफी एक्सपोजर मिला यू नो यू वर क्लोजली विद द फाउंडर्स यू सी इन्वेस्टर डायनेमिक मोस्ट स्टार्टअर्स डोंट वर्क राइट दैट्स अ बिग पार्ट ऑफ यू नो एंड आई सॉ फेलियर अप फ्रंट मल्टीपल टाइम्स तो थोड़ा समझ में भी आ गया कि यू नो दिस फेलियर इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ अ स्टार्टअप लाइफ लाइक यू कैन स्टार्ट विद द इंटेंशन कि मेरे को चलाने ही चलाना है चल गया तो बहुत बढ़िया बात है बट मच बिगर प्रोबेबिलिटी की नहीं चलेगा तो एनी हाउ यू नो आंसर योर क्वेश्चन इज कि इंजीनियर प्रोडक्ट मैनेजर दो हज़ार सात में वापस आ गया इंडिया में एंड इनिशियली यू नो हैड दिस आइडिया ऑफ बिल्डिंग अ दिस आई वॉन्ट टू किट एवरीथिंग पर्सनलाइज्ड तो उसके लिए यू नो दैट्स हाउ इंट्रा स्टार्टेड बट वो बहुत इन द एंड एंड वेरी नीच आइडिया एक तो इंटरनेट छोटा था कोई लोग ऑनलाइन में लोग कुछ शॉप नहीं करते थे जॉम कर रहे थे वो भी बहुत नीच था बट उसमें हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि इंस्टेड ऑफ़ ऑनलाइन अगर ऑफलाइन कुछ कर सकते हैं उस वक्त इंडिया मॉल्स भी काफ़ी चल रहे थे तो मैं हर वेडनेसडे थर्सडे को किसी सिटी में मॉल्स में जाता था जैसे वेडनेसडे उस उसमें फ्लाइट ली और हैदराबाद चला गया वहाँ पर दिन भर चार पाँच मॉल में गया देखा कि मॉल में क्या चल रहा है यहाँ पर ऑफलाइन हम कुछ की ओर चला सकते कि नहीं तो एक बार ऐसे में पुणे में मान लो कि थर्सडे होगा और आफ्टरनून में इमेजिन कि समर में मई के महीने में दोपहर को दो बजे मॉल में क्या होता है कुछ नहीं होता hmm. मॉल पूरी खाली पड़ी रहती है तो मैं अकेला पूरे मॉल में चक्कर लगा रहा था एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर तक फिर मैं चमका कि वहाँ पे यार हर फ्लोर पे सारी दुकानें सिर्फ कपड़े जूते यू नो एक्सेसरीज़ की हैं hmm. और कुछ नहीं बिकता मॉल में इलेक्ट्रॉनिक hmm. एक छोटा सा स्टोर होता है बुक का एक छोटा सा स्टोर होता, hmm. होता है ऊपर फूड कोर्ट होता है बाकी सारे फ्लोर पर सिर्फ कपड़े जूते एक्सेसरीज मिलती हैं एंड आई अवर थिंकिंग कि यार ये तो बहुत ज़्यादा वेस्ट है कि ये सब अपना सामान नहीं इकट्ठा करके यहाँ बैठे हुए हैं ग्राहक आने रहे यहाँ पे एंड सब लोग अपने घर पे हैं ऑफिस में एंड वी वर इन द ऑनलाइन बिजनेस तो अगर ये सारा सामान ऑनलाइन मिल रहा हो तो कितना अच्छा हो एंड देन आई को कनेक्ट द डॉट्स की ऑब्वियसली आई यूज दॉप एन अवेल यू एस राइट तो फॉर यू नो तो आई थिंक इन सम द आइडिया टू पीवट मिंट्रा आई थिंक क्रिस्टलाइज यू नो इन दैट मोमेंट यू नो जस्ट सींग द कॉन्ट्रास्ट ऑफ की फालतू तो का सारा सामान पड़ा हुआ like <laughs> है एंड लिटरली लाइक आई वॉज अ सिंगल गए इन द मॉल सम मॉल इन पुणे आई डोंट रिमेंबर नाउ कौन सा था बट दैट्स हाउ वी स्टार्ट पीवटिंग टू टू थाउजेंड वन में काफ़ी अच्छी चीज़ हुई थी कि उस वक्त यू नो मोबाइल इंटरनेट चालू हो गया था hmm. तो इंडिया में इंटरनेट भी नहीं था उससे पहले और इंटरनेट एक्से डिवाइस भी नहीं थे घर में डस्टर्ब कौन रखता था उस वक्त hmm. तो बेडली यू नो स्कूल में या ऑफिस में कुछ लोगों के पास होगा बट अदरवाइज एंड ऑफ पीपल हैड मोबाइल फोन बट विदाउट इंटरनेट तो इट वॉज अ गुड टाइमिंग यू नो हाँ वी प्रू फैशन मोबाइल इंटरनेट है थोड़ा सा यू नो रिक्वायर सम एजुकेशन एंड मार्केट बिल्डिंग तो मिंत्रा पहले क्या था पहला आइडिया क्या था हम पर्सनलाइज टी शर्ट बेचते थे ऑनलाइन में पर्सनलाइज टी शर्ट तो आइडिया था कि जैसे यू नो वी हैड ए ह्यूज डिज़ाइन कलेक्शन यू पिक अ डिज़ाइन एंड से कि आई वॉन्टेड प्रिंटेड एंड वाइट टी शर्ट ब्लू टी शर्ट वी हैड होल पुटफल इनफैक्ट टी शर्ट मेन प्रोडक्ट बट बंच ऑफ पर्सनलाइज प्रोडक्ट्स पर्सनलाइज कैलेंडर ग्रीटिंग कार्ड फोटो एल्बम उस तरह की चीज़ें उससे धीरे धीरे कॉर्पोरेट गिफ्टिंग कॉर्पोरेट गिफ्ट में लोग बहुत पर्सनलाइज चीज़ें करते mm -hmm. हैं एंड थ्रू दैट वी कॉड आर फर्स्ट बिग ब्रेक सो आई पी एल में चालू हो रहा था तो आई पी एल में uh,

खुद का ब्रांड बनाने का आइडिया एकदम शुरू से था तो ये सब थोड़ा थो रिट्रोस्पेक्टिव थिंकिंग है ऐसा नहीं कि मेरे को पूरी क्लैरिटी दी उस वक्त हुँ. और बट नाइकी से हमें क्या रियलाइज उस वक्त मिंट्रा किसी को पता नहीं था बट नाइकी हर किसी को पता था हुँ. तो वी रियलाइज दैट एज अ डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म अगर हम बाकी लोगों के ब्रांड बेच रहे हैं तो उस वक्त लेट से बैनटन हो गया या एरो सो ऑल दिस ब्रांड्स ऑलरेडी लोगों को पता है hmm. तो उनको उस ब्रांड में कोई शक नहीं है या कन्फ्यूजन नहीं है कि क्या मिलेगा एंड मिंट्रा के थोड़े टाइम लगेगा ट्रस्ट बनने में बट वेन यू रिटेल अदर पीपल प्रोडक्ट यू ऑल्सो ब्रांड्स की यू सर्टन मार्जिन स्पेशली शुरू के दिन में तो हमें बहुत ही कम देते थे वो बिकॉज वी यू आर यू नो नेग्लिजिबल पार्ट ऑफ देयर सेल्स एक्सेट्रा काफ़ी मुश्किल भी होता था, था उनको कन्विंस करना कि यू नो ऑनलाइन भी लोग खरीद लेंगे थोड़ा सा तुम्हारा जहाँ पे आप लोग के स्टोर्स नहीं है वहाँ से भी लोग खरीद सकते हैं ऑल दैट राइट तो बट आई रियलाइज़ अर्ली ऑन कि अल्टीमेटली वैन यू लुक द नंबर उस वक्त इंडिया में ऐसा था कुछ समथिंग लाइक नाइन्टी फाइव परसेंट मार्केट वॉज अनब्रांडेड फाइव परसेंट ब्रांडेड बट जो नाइन्टी फाइव परसेंट है वो लोग भी मतलब कपड़े जूते खरीदते हैं एंड गिवन अगेन यू नो कंट्रास्टिंग माई टेन ईयर इन यू एस यू एस इज ऑल ब्रांडेड एवरीथिंग यू कंज्यूम इज ब्रांडेड लाइक इन यू डू गो आउट ऑफ योर वे की पर्सनली हैंडमेड के लिए आपको तीन गुना प्राइस देना पड़ेगा राइट इन नो दिस एवरी थिंग इज स्टैंडर्डाइज तो

and then you know uh, you upsell because own brands you can price you know more competitively you have some insights you know exactly what is selling so you can make calculated bets and so on So, like so, those fashion we pivoted in 2011 those are brand apni brancha so you know we build roadster uh, hrx with Hrithik, mm -hmm. we build uh, all, all about you with Deepika Padukone. Bunch of other experiments. And now some of those brands are massive, you know. Are I mean, Cook and & Kitch was there and yeah. it also started in 2013. Oh, yeah. So, we had this, you know, really creative setup, you know. One of our creative lead, Gotham. you know, he was a you know, like very innovative mind, you know. Mm -hmm. He would very deeply immerse in the culture. Mm -hmm. So, generally, India, ke chal you know. And he'll bring all these ideas. And we were also in the mode of, like, really experimenting, trying new things. Yeah. So, what we did is we the fashion ka landscape. Deka, Different categories, different price point, and we say we want to eventually capture all of that. So, cooking like you know, more cartoons, figures, you know, uh, pop culture-driven, you know, uh, very pop type of brand, yeah. you know, which is you know, come come a long way now. <laughs> yeah, I like I like I like that brand honestly. Like that was that used to be my go-to place oh, to nice. shop <laughs> for for a while. <laughs> can thank God, one day. <laughs> <laughs> okay, so another thing. but you, US, और शॉप करते थे बहुत ज़्यादा तो राइट एंड यू के स्टार्टअप्स में भी काम किया और इंडिया में आके भी बनाया तो क्या डिफरेंट था यू और इंडिया में क्या सीखा ऐसा यू में कि यू के कस्टमर्स ऐसे सोचते हैं ऐसा करते हैं और इंडिया तो के लोग अलग करते हैं यार मेरी बिगेस्ट लर्निंग ये कि कस्टमर्स में कोई डिफरेंस नहीं होता लेकिन अल्टीमेटली यू नो कस्टमर ऑल ओवर द वर्ल्ड उनको क्या चाहिए उनको सस्ता सामान चाहिए जैसे ही कि यू एस का कस्टमर इंडिया कस्टमर सेम है मेरे ख्याल से एकदम सेम है लोग काफ़ी बात करेंगे कि डिफरेंट होता है ये वो ऑब्वियसली कस्टमर जर्नीज आर डिफरेंट इन सम वे नो दैर

उस तरह के न्यूवास हैं फॉर श्योर बट फंडामेंटल लेवल पे लाइक एवरी कस्टमर यू नो अप्रिशिएट्स कि मेरे को कम समान दें फिर यूएस में आप अमेजन की कोर वैल्यू प्रपोज अमेजन लोड द प्राइस ऑफ एवरी थिंग फॉर पीपल हाँ कास्ट को इज वेरी बिग इन यूएस कॉस्ट को आप बल्क में खरीद लो और भी सस्ता मिल जाएगा राइट देर सो मनी देर इवन दर डॉलर स्टोर इस फैसिलिटी यू यूएस में डॉलर स्टोर्स पिछले पचास साल से एक डॉलर दे मोस्टली सेल एंड वन डॉलर नाउ डॉलर हैज़ है इन्फ्लेशन होता रहता है बट दे की फाइंडिंग मोर एंड मोर गुड्स like because there is lot of audience for the walmart right you know one of the biggest retailer in the world again build on everyday low price unki you know main value proposition hai india mein same hai right you know people want ki main jitna kam ho sakta hai utna dena chahta hu but mere service theek honi chahiye kuch galat ho gaya you take care of it right so identify difference in the consumer psyche मतलब uh, customer ko sasta chahiye har jagah sasta chahiye acha chahiye okay in fact i think that's a you know deep principle of business as a business if you can solve for that every single time it works par डू यू फील की ब्रांड लॉयल्टी यूएस में बहुत ज़्यादा और इंडिया में नहीं है ऐसा कभी सोचा है इसके बारे में नहीं ऐसा नहीं यार इंडिया में देखो आप अमूल देख लो मैगी ले लो मतलब लोग जान देने को तैयार तो है उन ब्रांड्स के लिए राइट आई थिंक ब्रांड्स यू नो प्ले बिग रोल इन बिल्डिंग और आइडेंटिटी इवन ग्रोइंग अप मैम जो डिलीवरी टाइम टू थिंक हो ब्रांड्स की एटला साइकिल पहले इवन वी आर ग्रोइंग अप राइट तो कंज्यूमर यू नो ऑलवेज अप्रिशिएट ब्रांड्स और ब्रांड बिकम्स पार्ट ऑफ योर आइडेंटिटी हु यू आर वट यू नो स्टैंड फॉर इट ऑल्सो आर स्टस सिंपल यू नो यू आर एबल टू एक्सप्रेस यू सेल्फ बेटर वो ब्रांड काफी आपका काम कर देता है आपको पब्लिकली एक्सप्रेस करने के आपको बोलना नहीं पड़ता राइट आई एम स्टिल थिंकिंग ग्रोइंग अप यू नो बाटा यू नो शूज बाटा गायर एक स्पोर्ट्स शू भी होता था मुझे नाम याद नहीं आ रहा उसका बट इट वॉज अ बिग इन माई स्कूल भी स्टैटस सिंपल वो वाला अगर स्पोर्ट्स शू पहले ah. तो मतलब यू आर यू नो इज नोट तो आई थिंक दैट्स अदर थिंग यू नो इट्स नॉट इज जस्ट दैट इंडिया में हम लोग ने के पास ज्यादा ब्रांड नहीं हुआ करते थे और ब्रांड में क्या होता है कि फ्रॉम ब्रांड साइड पॉइंट ऑफ व्यू फॉर मी टू बिल्ड अ ब्रांड इमेजरी आई नीड टू रियली इन्वेस्ट इन बिल्डिंग एन इमेज तो नाइकी में जैसे द शूज़ दैट यू बाई फॉर इंडिया में मान लो दस हज़ार रुपये का जूता आप खरीदते हो वो चाइना में हज़ार रुपये बनता है तो so आप नौ हज़ार रुपये एक्स्ट्रा पे कर रहे हो बिकॉज यू बिलीव नाइकी स्टैंड फॉर समथिंग एंड हैव इन्वेस्टेड इन ऑल दैट मनी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन आर एंड डी बिल्डिंग ब्रांड इमेजरी बिल्डिंग बहन स्पोर्ट्स बिल्डिंग बैंड सेलब्रिटीज एंड वैन यू बाई इन टू नाइकी और बाइंग इन टू द कल्चर तो उस वक्त पहले उतनी अफोर्डेबिली भी नहीं थी इंडिया में तो पीपल से क्या इसका एक्चुअल दाम कितने बनने लोग यू नो पीपल डू कितना हैलकुलेशन वी स्टिल हैव यू नो पेरेंट्स एनस वो अभी भी कैलकुलेट करेंगे कि यार इसमें बनने में कितना लगा होगा बट नाउ एज इंडिया गेटिंग मोरू मोर एफ्लुएंट अभी डिस्पोजल इनकम है पीपल वॉन्ट टू एक्सप्रेस दम मोर एंड आर एबल अफोड टू सो आई थिंक ऐसा नहीं कि ब्रांड लॉयल्टी यूज में बहुत ज्यादा है आई थिंक आई फील कि इट्स इक्वली यू नो अगेन यू नो एवरीवेयर इन द वर्ल्ड बट ब्रांड रेडीनेस एंड प्रिपेयर्डनेस एंड विलिंग्स टू पे इज इवॉल्विंग इन इंडिया वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज आई ऑल्सो बिलीव इन द सेम थिंग मेरे को भी ऐसा लगता है कि लोग जो हर कोई बोलता है कि इंडिया में ब्रांड लॉयल्टी नहीं है क्या मेरे को बस पूछना था क्वेश्चन मेरे को लगता है ऐसा नहीं है इंडिया में बहुत दबा के ब्रांड लॉयल्टी लाइफ वॉय मेरे को ना अभी किसी ने बताया कि लाइफ वॉय एटीन नाइन्टी में या right. एटीन में स्टार्ट हुआ था वो पिछले एक साल से चल रहा है

कल्चरल एथनिक डाइवर्सिटी सब लोगों को पता मालूम है बट इनकम डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है राइट देर इज़ यू नो टॉप स्पेक्ट्रम ऑफ पीपल जो जनरली विदेश जाते हैं यू नो एक्सपोज टू ऑल दिस ब्रांड्स देर इज़ अब्सुलट दू नो देर आर पीपल्टिलो बम एंड बंच ऑफ यू नो कैटिगरीज इन बिटवीन तो सबकी नीड्स एंड अफोर्डेबिलिटी काफी डिफरेंट है तो डिपेंड अपन आप किसके लिए ब्रांड बना रहे हो लाइफ टाइप ऑफ ब्रांड यू नो कैन अपील टू प्रीमच एनी वन इन द कंट्री डिलील टू समी लेट्स इनकम लेवल ऑफ अबाउट टेन लैक्स एंड मोर इन उसके ऊपर लग्जरी कार्स राइट उसके लिए डिफरेंट इकम लेवल चाहिए तो लिट बट यू नो एज एन यू गेन टू कंज्यूमर मार्केटिंग एक्सेट्रा कि आपका मार्केट सेगमेंट कितना है द जनरल इंडिया कि जितना आप प्रीमियम ब्रांड बनाओगे उसका पेनट्रेशन उतना कम होगा

टू ग्रो अ मच्योर एडल्टेक्स ट्वेंटी वन ईयर्स आई थिंक आज कल तो शायद तीस साल लगता है यू नो बिकॉज यू टेक तो यू कैंड शॉर्ट सर्किट द प्रोसेस एक तो वो है बट मोर इम्पोर्टेंट दिस इज़ इन माई मोर पर्सनल बिलीफ सिस्टम कि ब्रांड हैज़ टू स्टैंड फॉर समथिंग ओके वट डू आई ट्रूली बिलीव इन एज अ ब्रांड राइट विच इज़ नॉन निगोशियल फॉर मी मेरे को लगता है कि ब्रांड क्यू ना वी कैन कम्पेयर विद पीपल सी वी लाइक इन आवर लाइफ कुछ लोग हमें अच्छे लगते हैं कुछ नहीं अच्छे लगते हैं जर्रली पीपल से किर वो ऑथेंटिक है रिलायबल है आई नो कि द पर्सन यू नो सेज वट ही मीन्स एंड डज नॉट बुल्श इट राइट तो ब्रांड के साथ भी लोगों की वैसी रेशन बनती है कि ये ब्रांड ट्रस्टवर्दी है कि नहीं है जो ये बोलते हैं ऑलवेज डिलीवर करता है कि नहीं करता टाटा लो इंडिया मैं टाटा इज नोन फॉर ट्रस्ट एंड टाटा इज ए कंपनी यू नो कोज आउट ऑफ देयर वे अक्रॉस एवरी थिंग दे डू टू मेक श्योर दैट ट्रस्ट इज नॉट इरोडिड नो मैटर वट एंडट लेट लीड्स यू यू नो दिस अनफ्लिंचिंग ट्रस्ट कि अगर टाटा का प्रोडक्ट है तो मैं इसको आँख बनकर विश्वास कर सकता हूँ कि चले गए राइट तो आई थिंक इज ब्रांड न्यू टू थिंक अबाउट एट स्पेशल द कंसेप्शन स्टेज वट डू आई ट्रीली स्टैंड फॉर इन न समटाइम लोग कहते हैं लोग एक क्रिएटिव से नाम लगा लेते हैं और बोलते हैं कि मेरा नया ब्रांड है एंड दे गो आफ्टर बिजनेस अपॉर्चुनिटी उस सेगमेंट में उसको टारगेट करूंगा ये वैल्यू प्रोपोजिशन है बट विदाउट बिंग वेरी क्लियर ऑन वट यू स्टैंड फॉर अपने रोड्स बोला था राइट तो रोड्स में से गौतम वाजा बाइकर तो ही न्यू एम टी वी रोडीज वगैरह था mm. वो खुद भी लॉन्ग बाइक ट्रिप पे जाता था तो उसको ही हैड अ फील फॉर द बाइकर यू नो कल्चर लाइक पीपल हु स्पेंड देयर लाइफ ऑन द रोड वो कैसी लैंग्वेज यूज करते हैं वट दे स्टैंड फॉर एट रोड्स अर ब्रांड स्टेम फ्रॉम दैट एंड ही द वे ही डिज़ाइन द ब्रांड द ब्रांड इथोज वट इट बिलीव इन द डिज़ाइन लैंग्वेज

clarity and then not violating things staying true to that you know as the time keeps changing you can you have to evolve but not losing your core and then it takes time i think brand also requires jo bolte na every revolution starts with you know at home you need so some of the brands i've been involved in i look at ki jaise cult mein मेरे को डे वन से पता था कि अगर कल्ट के एम्प्लॉयज़ कल्ट को यूज़ नहीं करते हैं तो ये कभी नहीं चलेगा चल भी hmm. जाएगा तो ये बड़ा ब्रांड नहीं बनेगा लाइक इनसाइड द हाउस वी नोट a फैनेटिंग following. मैं आई थिंक 2014 में Nike की हेडक्वाटर गया था तो पोर्टलैंड और गाँव में उनका कल्चर उन्हें ऐसे बनाया है कि आफ्टरनून ने पूरा ऑफिस खाली हो जाता है और सब लोग बाहर जा खेलते हैं तो ह्यूज ट्रैक एंड फील्ड वहाँ पर वर्ल्ड क्लास एथलीट भी ट्रेन कर रहे होते हैं लेकिन ऑन देर ऑफ टाइम को ट्रैक एंड फील्ड पर लोग कर रहे हैं यू नो स्विमिंग कर रहे हैं यू गो एंड रन विद दो पीपल एंड इट इज़ एक्सेप्टेड कि मतलब कोई आपको कुछ बोल नहीं सकता है कि यू नो दोपहर को बारह बजे से तीन बजे तक जिम का टाइम है प्ले का टाइम है एंड वेरी एक्टिवली एनकरेज बिकॉज they want nike employees to be the fanatic follower of that and that leads to, you know then these people talk about the brand so passionately it reflects in everything they do the nice. connection they create and so on so i think lekin time like matlab overnight nahi sakta. Ah, day one you know by the way just a heads up key i love the name cult right thank like, you <laughs> i love it or <laughs> was i cult agar, किसी भी दूसरी में कैटेगरी में अगर इमेजिन yeah. कर रहा हूं बड़ा इसका। बट मैं फिटनेस में देखता हूँ मुझे बात करते वॉट आर वी स्टैंडिंग ऑन करेक्ट यू नो फिगरिंग स्टार्टेड तो फिगरिंग आउट का एक बड़ा क्लियर ऑब्जेक्टिव था डे वन right. से जो मैं आपको hmm. बताया था कि फिगरिंग आउट इंडिया कि हम इंडिया के लोगों समझते कैसे क्योंकि हर कोई बोलता है दैट इंडिया सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है इंडिया में बहुत पोटेंशियल है इंडिया के हर इंसान में बहुत पोटेंशियल है लेकिन अगर इंडियन में इंडिया में बिजनेस बनाना है इंडिया में बड़ा बनना है इंडिया में ग्रोन है तो तुम्हें इंडिया को समझना पड़ेगा हंड्रेड परसेंट तो तुम्हें इंडिया को समझना पड़ेगा कि इंडिया के लोग कैसे हैं इंडिया में बिजनेस कैसे बनते हैं इंडिया में ब्रांड कैसे बनती है इंडिया में पैसे कैसे बनते हैं राइट कितनी चीजें होगी सो हमारा एक कोर रहा है हम लोग

इन ऑन द कस्ट ऑफ रिवोल्यूशन मतलब पूरा इंडिया चेंज हो रहा है एंड इट्स लाइक रॉकेट शेप रेड टेक ऑफ बट इंडिया एज यू सेट कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है बहुत डाइवर्सिटी है वी हैव यू नो वेरी इंटरेस्टिंग हिस्ट्रीट वी आर एट दिस यू नो जंक्चर एंड क्रॉस रोड्स वे आर वी आर रियली एबल टू स्टैंड शोल्डर टू शोल्डर विद एनी वर्ल्ड राइट इंडिया इज गोइ बी नो नैक्स सुपर पावर राइट इट इज़ इंडिया सेंचुरी ऑलमोस्ट गिवन है बट उतना आसान नहीं समझना बिकॉज इन ऑल दिस न्यूनसेस तो जैसा पॉडकास्ट आप कर रहे हो कि कवरिंग ऑल दिस डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ यू नो इकोनॉमी स्टार्टअप कल्चर यू नो सोशल पोलिटिकल आई थिंक वो ज़रूरी भी है कि जो लोग इंडिया में कुछ बड़ा काम करना चाहते हैं इंडिया को डीपली समझना बहुत ज़रूरी है आप हवा में काम नहीं कर सकते yeah. और समझने में टाइम लगता है बहुत पढ़ना पड़ता है यू नो बट अगर अपने पॉडकास्ट के ज़रिए आप सिम्प्लीफाई कर पा रहे हो और ब्रिंगिंग द राइट पीपल ऑन द प्लेटफॉर्म

कि आप स्टैंड आउट कैसे करते हो मतलब आई एम श्योर कि आप अगर बोल रहे हो कि मैं ना टाटा बोलता है मैं ट्रस्ट पे खड़ा होता हूँ एम श्योर हजार ब्रांड्स और बोल रही है कि हम भी ट्रस्ट करते हैं एंड वो सालों से लिखा भी होता है इफ यू गो टू सिटीज देर आर ग्रुप्स हजार करोड़ करते हैं दो हजार करोड़ करते हैं और वो लिखते हैं कि ट्रस्टेबल सिंस फोर्टी ईयर्स क्वालिटी सिंस थर्टी ईयर्स तो right. सभी तो सेम चीज लिख रहे हैं एंड डिलीवर भी कर रहे हैं ऐसा नहीं कि नहीं डिलीवर करते बहुत लोग डिलीवर करते हैं हाँ इफ़ यू लुक एट साइज ऑफ आर इकनॉमी राइट अभी इंडिया में तीन ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है राइट एंड रिसेंट फोर का रेडिंग की दो तक कुछ तीस ट्रिलियन डॉलर की हो जाएगी दस गुना इंक्रीज yeah. तो बहुत सारे यूज केस हैं सर्विस करने के लिए आ, एक कैटेगरी अगर आप बोल रहे हो कि हज़ार करोड़ का ब्रांड है बट अगर उसमें मतलब पाँच लाख करोड़ की कैटेगरी है तो ऐसे सौ ब्रांड हो सकते हैं इट्स लाइक एज ह्यूमन नेचर में जस्ट बिकॉज यू नो लेट्स ए यू आ ट्रस्ट वर्दी पर्सन डजेंट मीन अदर गाई कान भी ट्रस्ट वर्दी राइट और नेक्स्ट गाई कान बी राइट वी कैन लॉट ऑफ पीपल इट डिपेंड कि आप कौन सी नीड फुलफिल कर रहे हो एज ए कंज्यूमर एंड एज ए बिजनेस यू नो दे आर सो मेनी डिफरेंट नीड्स लाइफ स्टाइल के नीड होते हैं फूड रिलेटेड नीड होते हैं हेल्थ रिलेटेड नीड्स होती हैं एजुकेशन रिलेटेड नीड्स होती हैं राइट इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड नीड्स होती हैं तो बींग क्लियर अबाउट कि आप कौन सा नीड फुलफिल कर रहे हो और कहाँ पर राइट अगेन इंडिया में जस्ट बिकॉज ए बिजनेस इन इंडिया डजेंट मीन यू आ सर्विंग एवरी सिंगल स्टेट और इवन एवरी सिंगल कंट्री अभी आज की तारीख में यू you नो know, सिर्फ बैंगलोर में कल्ट का करीब पाँच सौ करोड़ का रेवेन्यू होता है mm -hmm. एक सिटी में राइट सो दैट शोज द पोटेंशियल एंड हमें लगता है कि अभी बैंगलोर इट्सल में बहुत पोटेंशियल है तो आई डोंट वॉन्ट दिस आउटकम बट हो सकता है कि हम बैंगलोर में बहुत बड़े हो जाए और दिल्ली में कोई और बड़ा ब्रांड बना ले स्टैंडिंग फॉर सिमिलर थिंग्स फाइन उसमें कोई बुराई नहीं है राइट इट्स अ मैटर कितनी हमारी एस्पिरेशन है और कितनी एक्जीक्यूशन केपेबिलिटी है तो अद्सो लुक एट यू नो थिंग्स फ्रॉम अ वेरी फाइन ग्रेन लेंस जैसे नाइका का एग्जाम्पल लेते हैं तो नाइका यू नो दे रियलाइज की देर वॉज नो ऑथेंटिक डेस्टिनेशन फॉर ब्यूटी ना मिंट्रा में हम लोग ब्यूटी करते थे अमेजन भी करता है फ्लिपकार्ट भी करता है इन ऑल दटेड बट नाइका बिल्ड दैट कनेक्ट विद द कंज्यूमर कि हम ब्यूटी स्पेस को वी अंडरस्टैंड बेटर देन एनी वन एल्सो देर एबल टू बिल्ड दैट कनेक्ट काफ़ी लोग भी करते हैं इनफैक्ट

बस एक ट्रस्ट बन गया हवा में न्यूज राइट सो व्हिच इज विद इन ब्यूटी अब नाउ अभी से कोई मेंस ब्यूटी का कोई नहीं है बट hmm. कल को हो सकता है उसके लिए ब्रांड बना सकता है यहाँ बॉम्बे में यू नो दिस इनफैक्ट जिसका शांत बॉम्बे शेविंग you know, uh, yeah. तो उसने शेविंग के लिए ब्रांड बना लिया तो आप एंड एक और

Interesting. In mean, yeah, that's niche. They start. So first is stand out for something. Second is you build your own niche. Right. Okay. What is the third step, brand manically? Or key important? Hai? I, I think authenticity. Like even if you start day one, pe, nobody will take you very seriously. But you know, month after month, year after like staying true to your core. I think it's very, very important. You know, sometimes get a lot of temptations, you know, to take shortcuts, etc. But दोज इरोड ब्रांड्स लाइक इंटर डी टू सी स्पेस में काफ़ी सारे लोग ब्रांड बनने की कोशिश कर रहे हैं ठीक बट क्या होता है वो आप इन्वेस्टर पैसे ले लेते हो फिर आपको लगता है कि अगले साल स्केल दिखाना है फिर और स्केल दिखाना है स्केल दिखाने का इंडिया में और आई थिंक सारी दुनिया में सबसे बड़े तरीका है कि आप डिस्काउंट करना चालू कर दो जितना हाँ. डिस्काउंट करेगा उतना बिकेगा हाँ. तो आपका स्केल वाला एस्परेशन तो पूरा हो गया बट जो इंक्रीमेंटल कस्टमर है वो इसलिए नहीं आ रही कि आपका ब्रांड बहुत बढ़िया है उनको उससे कुछ डीप कनेक्ट हो रहा है वो इसलिए आ रहे हैं कि उससे सस्ता और कहीं नहीं मिल रहा तो वो शॉर्ट टर्म के लिए ठीक है आपके सेल्स के पूरे हो होगा शायद इन्वेस्टर भी थोड़े टाइम के लिए खुश रहेगा बट यू आर रियली नॉट बिल्डिंग द ब्रांड यू आर बिल्डिंग द ब्रांड में मेकिंग अ चॉइस की दिस ब्रांड यू नो फुलफिल सम नीड इन माई माई लाइफ इज नो बडी एल्स कैन डू उसके लिए यू नो जैसे आपको लाइफ में कोई भी मीनिंगफुल रिलेशन का टाइम इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है यू कान जस्ट से कि दस लोगों पर पड़कर सड़क पेगी चलो यार मैं दारू पिला दूँ फ्री में <laughs> और सब कल से आपके दोस्त बन जाएंगे यू हैव टू यू नो मीट विद देम रेगुलरली यू नोट टू बी प्रेजेंट फॉर देम वन दे नीड यू राइट तो ब्रांड बिल्डिंग उसी तरह होता है कि इट्स अ वेरी स्लो केयरफुल रिलेशन बिल्डिंग ओवर पीरियड ऑफ टाइम बाइ स्टिंग ऑथेंटिक टू यू आर एंड ऑल्सो हर कोई आपका दोस्त भी नहीं हो सकता है राइट फ्रेंड सिर्फ हर कोई आपका कस्टमर नहीं हो सकता तो ऑल्सो डेवलपिंग मैं किसके लिए बना रहा हूँ हु इज माई ट्रू कस्टमर ई वॉन्ट hmm. जैसे दारू पीने के लिए दोस्त तो आ जाएंगे बट वो रोज दोस्त होंगे कि नहीं होंगे नहीं पता exactly. लोग तो आ जाएंगे सेम डिस्काउंट से लोग तो आ जाएंगे ब्रांड कस्टमर होंगे इंडिया में ना आप डी टू सी ब्रांड के कॉन्टेंटर तो बहुत सारे हैं हाँ बट ट्रूली यू नो जैसे हम थोड़े पहले जो बात कर रहे थे रॉयल एनफील्ड और अम्बुल और मैगी जैसे कितने ब्रांड बन रहे हैंडफुल क्योंकि लोग क्लियर नहीं है कि एग्जैक्टली वट देंड फॉर और पेशेंस भी नहीं है लाइक आई फील कि ढंग का ब्रांड बनाने के लिए मिनिमम दस साल लगते हैं दस साल आज I mean, भी आज भी हंड्रेड परसेंट लाइक वेयर यू हैव यू नो स्केल पीपल पीपुली बिलीव एंड बिजनेस मॉडल अगर आप यू नो नेगेटिव यूनिट इकोनॉमी से कोई जल्दी से ब्रांड बना भी देते hmm. हो बट उसकी कोई स्टैंडिंग नहीं है लाइक द डे यू एट सम डे सब्सिडीज विल गो अवे एंड द ब्रांड विल नो शो इज़ ट्रू कलर्स लाइक बट द ब्रांड इज होल्डिंग पर गुड ब्रांड्स आर एबल टू इंक्रीज देयर मार्जिन ओवर पीरियड ऑफ टाइम बिकॉज कस्टमर को लाइफ में वो इतना इंपॉर्टेंट होता है कि यार मैं कुछ भी इसके लिए पे करने को तैयार हूँ लाइक देन यू हैव अ रियल ब्रांड बट वो नहीं बन सकता इमोशन you know, भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है right, absolutely. Ki, आपकी ब्रांड का कुछ एक इमोशन होना चाहिए राइट right. जो कस्टमर की जो लाइफ में एक जो वॉयड है ना वो फिल कर रहा है उस इमोशन के थ्रू हंड्रेड इट हैज बी इधर इट कैन बी स्टैटस इट कैन बी बिलोंगिंगनेस इट कैन बी एनी कुछ तो होगा वो पर्टिकुलर इसके लिए फील कर रहा है जैसे जॉर्डन ये बहुत बढ़िया करता right. है लाइक एयर जॉर्डन स्टैटस एक right. जो वर्ड है वो फिल कर देता है तो जितने लोग एक सर्टन कैटेगरी मतलब चाहते हैं कि यार नाउ नाउ हैव मेड इट वो जॉर्डन से दिखा के अपना एक स्टैटस इमोशन डिपेक्ट करता है आई थिंक दैट्स वन ऑफ द बिगेस्ट इमोशन ब्रांड सर्विस राइट यू नो बिकॉज किसी ब्रांड का यूनिट को यूनिट देखोगे तो जो कॉस्ट प्राइस के कुछ ब्रांड होते हैं जो सस्ते वाले होते हैं उसे 2x प्राइस पे बेचते हैं जो प्रीमियम ब्रांड होते हैं उसे फाइव सिक्स एक्स टाइम्स से बेचते mm. हैं जो थोड़ा सा यू नो ब्रिज टू लग्जरी के ब्रांड है वो नाइन एट नाइन टाइम्स जो सुपर लग्जरी ब्रांड है लाइक यू नो लुई वतान गोची एक्सड वो ट्वेंटी फाइव थर्टी टाइम्स बेचते हैं तो उतना सारा प्रीमियम क्यों कमांड कर रहे हैं बिकॉज यू नो दे अलाउ यू टू एक्सप्रेस यूर सेल्फ राइट दे अलाउ यू टू फ्लॉन्ट यू नो दैट यू 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 एज इन इफ आई देव एक्टलीरिंग सर्टन लोग मेरा लाइफ में स्टेटस ये yeah. है इफ आई एम डिफरेंट लोगो वीच मीन्स मेरा स्टेटस वो है लोग यू नो जैसे लोग की इनकम बढ़ती है तो सबसे पहले वो कार अपग्रेड करते हैं बिकॉज द मोस्ट विजिबल थिंग पीपल कैन सी वो कार के आप समझ जाओ कि बंदा कौन है उसकी ड्राइवे राइट यू नो सो यू कीप अपग्रेडिंग एवरी इन फू ईर्यरस इफ यू आर डूइंग वेल इन लाइफ तो आई थिंक एंड ब्रांड्स यू नो अंडरस्टैंड दैट देफिल दैट नीड बट उसमें भी उनको ऑथेंटिकना चाहिए लाइक विद इन कार स्पेस यू नो इवन दो मनी लग्जरी कार्स है बट डिफरेंट दे स्टैंड फॉर डिफरेंट थिंग्स राइट एंड अगे एंड पीपल रिलेट टू समीपल लाइक मोर रिलाइबिलिटी एंड दे वेट लग्जरी So they'll go for a certain type of car. Some people really want to, you know, flaunt. They want, you know, loud and, you know, it matches their personality. So for them, you know, that is embarrassing. Which, which car do you like? I, I'm i a very private person. <laughs> I, and fortunately or unfortunately, my, you know, work I do is very public. Uh -huh. So I try to basically not consume anything which are, you know, flaunt worthy. So <laughs> I have a very simple uh, Toyota Camry. Okay. I like it. I like it because it's very spacious. Yes. It's very reliable. Legroom it is does not, worry. legroom is great. सो इट सर्विस इज माई नीड ऑफ यू मेरे को पीछे लेगरूम ज़्यादा चाहिए आई डोंट वॉन्ट माई कार टू ड्रा टेंशन होपफुल आई डू एन एफ गुड वर्क टू ड्रा टेंशन तो या दैट इज बिन माई रिलायल कार फॉर यू लास्ट टेन ईयर्स नाइस मैं बताया यही यही मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला था कि सब लोग मान लो आई आई गिव यू बेसिक एग्जाम्पल मिंत्रा से पकड़ लेते हैं ठीक है फैशन हो गया या परफ्यूम हो गया या शूज हो गया जो भी मान लो परफ्यूम है राइट हर कोई परफ्यूम बेच रहा है right. हज़ार लोग मतलब मैं मैं कैसे बनूँ एक कस्टमर की लाइफ का पार्ट लाइक सच अ डिफिकल्ट थिंग टू डू राइट बिकॉज इट्स मतलब आई नो दैट पर्सनल ग्रूमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और पर्सनल ग्रूमिंग लिए चाहिए पर मेरे परफ्यूम में ऐसा क्या है जो दूसरे के परफ्यूम में नहीं है yeah. सिर्फ दूसरी फ्रेग्रेंस ही right. है वो right. भी कॉपी हो सकती है एक मिनट में करेक्ट करेक्ट तो या आई थिंक इट्स अ हार्ड प्रॉब्लम एंड आई थिंक पीपल वेल टू थिंक वेरी डिफरेंटली मैं परफ्यूम का मेरे को एग्जैक्ट आंसर नहीं है

सो परफ्यूम कैटेगरी में आई थिंक यू फूल अंडस्रस्ट सम कैटेगरीज आर प्योर कमोडिटी यू कैन डिफरेंशियल प्रोडक्ट बट देन यू कैन पोटेंशियल डिफरेंट डिफरेंशियल कम्युनिकेशन एंड यू नो द मार्केट यू टारगेटिंग सो आई वुड से हैव टू स्टार्ट अ परफ्यूम ब्रांड आई पिक अ वेरी नीच सेगमेंट पर हैप्स अंडर सब सेगमेंट इन परफ्यूम स्पेस जो लोग आज की तारीख में ज्यादा यूज नहीं करते हैं डिओड्रेंट परफ्यूम इट कुड बी लेट्स आर नो आई एम जस्ट मेकिंग इट अप पुलिस कॉन्स्टेबल्स मे बी आई जस्ट टारगेट दैम And among all police constables, you know, because they have oh, right, you know, generally you know, in dirt and sun and sweating and so on, right? And maybe I'll target that. And if that's a perhaps requires very like budget positioning, but you start there, right? Or you pick other segment. If you try to be in a crowded category, a solution for everybody, I think you will easily get lost. So start very niche, you Absolutely. Mean. And you know, Peter Thiel, you know, his book zero to one is very useful book for entrepreneurs. And you talk about that of dominant niche. आई थिंक आई हव सीन दैट वर्क अगेन एंड अगेन एक आप छोटा सा नीच पकड़ो उस में ट्राई टू यू नो बिकम वेरी डोमिनट उसे डोमिनट से पहले भी नो ए फ्रेम वर्क आई लाइक टू यूज़ कॉल थाउजेंड ट्रू फैंस कि आप कुछ भी बना रहे हो लाइफ में पहले ना हज़ार ट्रू फैन्स बना लो अगर नहीं बन रहे तो मतलब यू आर रॉन्ग फूटिंग में छोड़ दो नहीं चलेगा क्योंकि हज़ार के लिए आपको ना तो वी सी फंडिंग चाहिए ना ही बहुत हर स्केल चाहिए ना ही बहुत डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए वो अपने मोहल्ले में लोकेटी में जाके कहीं ना कहीं से यू शुड भी एबल टू कार अगर हजार कस्टमर भी नहीं ला सकते तो फिर बहुत मत करोशन लाइक ऑफ हसल एंड जुआ एंड सो दैट्स दैट्स अ बेस्ट फॉर्म लाइक नीश यू नो यू बिग फीडबैक वन वंस दे बिकम यू नो लॉयल यू अल्सो गेट लॉट ऑफ इंसाइट कि उनको क्यों पसंद आ रहा है आपका ब्रांड hmm. ऐसा क्या नीड आ फुलफिल करो वैन यू टॉक टूम की ओके नाउ आई सी यू बाई लाइक वाई डू बाई दे मे टेल यू समथिंग दट यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग मे बी दे आर एबल टू सी समथिंग एल्स

उनका साइज ऑफ फिट मेरे बॉडी फ्रेम में एक्जैक्टली फिट होता है तो मेरे को सोचना ही पड़ता आई कैन जस्ट ब्लाइंड फ्रोडली मीडियम साइज एनीथिंग आई पिकअप इट जस्ट फिट्स एज इफ यू नो आई वॉज द मॉडल फॉर विच यू नो डिज़ाइन द प्रोडक्ट ऑन सो आई लव दैट वाई डू लाइक कैलविन आई थिंक मोस्टली and इन फिट एंड द स्टाइल इज ऑल्सो इन अंडरस्टेट आई लाइक अंडस्टेट आई डोंट लाइक एनीथिंग लाउड इन विच स्टैंड आउट एंड सोन so i think it matches my aesthetic style. they're also very concerned. i'm wearing Calvin kind for last 10 years. Mm. and i've never seen them disappoint me. like i can just blindly trust them. you know, we talk to trust. Yeah. Uh, so much. so that's one example. again, i use the example of Camry, right? you know, Toyota cars, you know, which altera there. bill servicing ki hai. like it's just ek bar lo. or, and i look at car for me is not a status symbol. it's for to go from point a to point b. reliably and without hassle. so it services that job really well. it's also, you know, it looks cool to me it's not you know flashy cool but again they're it cool you know that i like apple i think everyone's favorite brand so is mine again hassle-free but the subwoofer's out of the box it just works seamlessly and again hmm. aesthetically quite pleasing but again not very loud not in your face so calvin, I think so. Make about, I think calvin at least with their underwear segment hmm. super flashy brand

दो ही तरह एडवर्टाइज कर सकते हो आप या तो इस तरह से थोड़ा सा स्ट्रिप दिख रहा है और नहीं तो फिर कुछ नहीं पहना है it just looks and they have unrealistic pretty. godly bodies to tumko lagta hai ye to ho hi nahi sakta chhod usko so so that's i think that your example is true the spirit of you know understated like you know very subtly just showing you know अगर कुछ बेचना है तो दिखाना पड़ेगा retail में बोलते हैं कि जो दिखता mm -hmm. है वही बिकता है right yeah. so <laughs> calvin showing in a very subtle manner but that meko bada maza aaya like i i love the campaign meko right. i have never seen more genius thing like this matlab wo kill kar gaye wo log mujhe pagal nahi aa rahi hai advertise ho raha hai abhi main

सबसे अच्छी बात मिंत्रा में क्या लगती है आपको सबसे अच्छी बात कल्ट में क्या लगती है लाइक <laughs> like, इन दोनों मुझे बताओ एंड तीसरा सबसे अच्छी बात बुक की आपकी क्या लगती है लाइक वॉट डू यू थिंक तीनों में एक एक चीज़ हाईलाइट स्टैंड करता है फैशन में आई थिंक मिंट्रा विंटर मेक्स फैशन शॉपिंग सो मच फन hmm. मज़ा आता है मतलब वहाँ पे एंड वी हैड देर इंसाइड फ्रॉम अर्ली डेज की फैशन शॉप इसी फैशन एक कैटेगरी जहाँ पे शॉपिंग यूटिलिटी नहीं है फैशन इज फैशन शॉपिंग इज एंटरटेनमेंट फर्स्ट इसलिए लोग विंडो शॉपिंग का टर्म यूज़ करते हैं कि आपको अच्छे मॉडल अच्छे कपड़े देखने में मजा आता है राइट दैट्स सर्व सम नीड यू नो विदाउट बिना खरीदे भी कुछ इमोशनल फुलफिलमेंट हो जाता है mm -hmm. खाली ब्राउज करने से तो मिंट्रा अर्ली डे से हमने उसी लिए डिजाइन किया था एंड द टीम्स हैव कंटिन्यू टू इवॉल्व दैट तो इट जस्ट यू नो गुड ऑल्टरनेटिव यू नो एंटरटेनमेंट ऑफ वॉचिंग कॉन्टेंट यू कैन जस्ट गो इन मिट्ट्रा यू नो ऐप एंड कीप ब्राउजिंग राइट सो मेकिंग फैशन शॉपिंग फन इज ग्रेट पार्ट आई थिंक कल्ट में मेरे को सबसे अच्छा लगता है कि जनरली फिटनेस हैज़ अटक्वाइस लॉट ऑफ एफर्ट कि आपको जिम में जाके यू नो कौन सी मशीन यूज़ करनी है क्या करना है यू नो योर फोन इज देयर डिस्ट्रैक्शन बट मिंट्रा में जो ग्रुप क्लास सॉरी कल्ट में ग्रुप क्लास फॉर्मेट की वजह से ट्रेनर्स ने मेक इट लाइक रियली रियली फन एंड इंटरेस्टिंग और कम्यूनिटी बनना शुरू हो जाता है तो आप अपने दोस्तों के साथ वर्कआउट कर रहे होते हो तो काफ़ी अच्छा लगता है यू नो दबल टू चैलेंज इज इधर मोटिवेट इच इधर तो दैट मतलब आई नो आपने कल्ट क्लास किए नहीं किया बट वो उस क्लास के अंदर जो एनर्जी फील होती है ना वो मतलब कहीं और मिल नहीं सकती आपको तो द एज ए ब्रांड वी आर एबल टू क्रिएट द एनर्जी इन द क्लास टू क्रिएट एड हाई नो ड्यूरिंग फिटनेस सो आई थिंक दैट्स अमेजिंग थर्ड क्या पूछा नहीं थर्ड बुक का था सी बुक आई फील इंडिया में हेल्थ में ये ओनली बुक है जो हेल्थ का सारे एस्पेक्ट को काफ़ी ठीक से समझाती है काफ़ी एडवाइस है जो लोग फॉलो कर सकते हैं बट वो एडवाइस क्यों दे रहे हैं उसकी साइंस कैसे इवॉल्व हुई क्या पता है लाइक like, सिर्फ नॉट नॉनली मी बट दुनिया में लोगों को क्या पता है लाइक वॉट इज़ द करेंट लेवल ऑफ साइंस सो आई थिंक इट डज जस्टिस टू दैट सो आई थिंक इट विल अपील टू पीपल जो हेल्थ को वास्तव में ठीक से समझना चाहते हैं जो यू नो दे डोंट वॉन्ट टू गो विद द फैट किसी ने बोला ये कर लो तो वो कर लिया और कुछ कर लिया राइट मेरे को ठीक से समझना है कि यू नो हेल्थ कैसे फंक्शन करती है मेरी बॉडी है मेरा माइंड है मेरे अपनी हेल्थ नीड्स हैं विच विल चेंज फ्रॉम इनो स्टेज ऑफ लाइफ तो इफ समी वॉन्ट टू इन्वेस्ट इन नो फ्यू आर देर लाइफ टू रियली अंडरस्टैंड With this i think they'll be able to guide their journey in a lot more informed manner got it got it. so i have one last question on the entrepreneurship yeah. side okay in fact two questions and then we go to hardcore health sure take okay. care so the one of the questions was keep mintram like galti what do you feel which people should not do it they will of to hum are you know वाइल नीच इज गुड यू शुड बी एबल टू सी कि नीच को ग्रो कैसे होगा हम इतना सुपर नीच में काम कर रहे थे पर्सनलाइजेशन में तो तीन चार साल तो उसमें वेस्ट हो गए hmm. अगर यू नो ऑनपर्शन टाइम टोटल मार्केट तो अगर आपका पोटेंशियल टाइम बड़ा नहीं है तो इट डजेंट मैटर आप कितना ही बढ़िया काम कर लो आपकी बड़ी कंपनी बन नहीं सकती मेरा एस्पिरेशन बड़ी कंपनी बनाने का था बट हम बहुत ही छोटे से टाइम में काम कर रहे थे तो दैट वॉज यू नो वन मिस्टेक तो चार साल लगे टू तो पीवर इन टू फैशन इज अ वेरी बिग टाइम मतलब हर कोई कपड़े पहनता है आप अच्छा यू नो ऑनलाइन इंडस्ट्री बनाओगे तो यू कैन बिल्ड ए लार्ज बिजनेस राइट विच यू एंडेड बिकमिंग सेकेंड आई थिंक मेरे को यू नो टीम डायनेमिक्स को कैसे नेविगेट करना है सी so, स्टार्टअप में क्या होता है स्पेशली वन यू आर बिंग सक्सेसफुल तो स्टार्टअप काफ़ी फास्ट ग्रो करना शुरू हो जाता है फास्ट ग्रो होता है तो डिमांड ऑफ जॉब ऑल्सो कीप्स ग्रोइंग कि आप जब यू नो दस you know, लोगों की कंपनी है वर्षिस सौ लोगों की कंपनी है वर्षिस हज़ार लोगों की कंपनी है स्केल डिफरेंट है तो उसके रिक्वायरमेंट डिफरेंट होते हैं सोच डिफरेंट लेवल पर सोचना पड़ता है कुछ लोग आर एबल टू ग्रो बिकॉज वो अपना काम भी एग्जीक्यूट कर रहे हैं बट साथ में लर्न भी कर रहे हैं इंटरेस्ट भी कर रहे हैं mm -hmm. बट हर कोई नहीं कर पाता बट वहाँ पर आपकी डीप लॉयल्टीज होती हैं फ्रेंडशिप होती है तो हाउ टू चेंज पीपल्स रोल विद टाइम वॉज वेरी हार्ड एंड थिंग आई थिंक द फर्स्ट फोर फाइव इयर्स ऑफ माई अंटरप्रून जर्नी आई थिंक आज वेरी स्लो आई थिंक आव लर्न ओवर पीरियड ऑफ टाइम आई थिंक यू नो यू नीट टू समू हेव टू कीप टेकिंग यू हार्ड कॉल्स ऑल्सो कि यस यू आर माई क्लोज फ्रेंड यस यू नो यू प्ले अ वेरी बिग रोल इन नो बिल्डिंग दिस बट नाउ वी हैव कट टू दिस लेवल यू नो और क्रिकेट एनर्जी यूज़ करें तो रण जी पे एक लेवल का चलता है यू you नो know, क्लब पे एक लेवल चलता है टेस्ट मैच दूसरा लेवल चलता है टेस्ट में एक चलता है वनडे में दूसरा चलता है राइट तो आपको उसके हिसाब से टीम को एडजस्ट करना पड़ता है उसके लिए काफ़ी यू नो हार्ड मैसेज लोगों को देने पड़ते हैं विच आई थिंक यू नो आई डिट डू दैट वेल आई थिंक अर्ली पार्ट ऑफ मिनटर एटलीस्ट ओके एंड सबसे चैलेंजिंग चीज जिसका का यू वेरी प्राउड ऑफ इज इजर एनी टाइम की मिंत्रा में जब आपको लगा कि यार अब तो बंद हो जाएगा बंद हो गया था दो हज़ार तेरह में तो एक बार यू नो सिर्फ uh, कंपनी क्यों बंद होती है अगर आप प्रॉफिटेबल कंपनी नहीं हो और आपके पैसे ख़त्म हो जाए तो कंपनी बंद हो जाती है राइट सो दो में तेरह uh, उस वक्त कारण आपको याद होगा नहीं होगा बट सडनली इंडिया के सेंटिमेंट काफ़ी ख़राब हो गए थे लाइक यू नो ऑल द फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बंद हो गया था और स्टार्टअप इन्वेस्ट करते करते जो फर्स्ट जनरेशन वी वीसी थे उनको भी पाँच साल हो गए थे बट ना तो कंपनी प्रॉफिटेबल हो रही थी ना कोई एग्जिट हो रहा था इंडिया मैक्रो भी यू नो काफ़ी टेंटली लगने लगा इलेक्शन ईयर भी आ रहा था तो सडनली सारी फंडिंग बंद हो गई को इन साइड भी हम लोग के पास काफ़ी कम पैसे बचे थे लाइक like, पहले छः महीने पैसे के बचे हुए थे वी ऑल्सो हैड सम ले ऑफ वगैरह बट करते करते वो छः महीने होते होते यू नो एक महीना हो गया एंड देन वन एवरी डेन द कंपनी हाउन मैनेजमेंट टीम थी वो ये बात करते थे कि यार अब इसकी बात क्या करेंगे <laughs> कि अब एक महीने तो कोई मैराकल होने नहीं hmm. वाली है राइट सो दैट वॉज वेरी यू नो जस्ट प्लेइंग आउट दिनारी पाँच छः साल का पूरा वट एवर एफर्ट इज गुड वेस्ट उसको भी करीब चार सौ पाँच सौ लोग मीटर में काम करते होंगे दे विल ऑल लूज देयर जॉब वी हैड प्रॉब्ली मिलियन प्लस कस्टमर एट दैट पॉइंट विल ऑल कस्टमर्स ऑल्सो बट देन देर इज़ ऑल्सो यू नो फाइटिंग स्प्रिट यू नो नेवर से डाई वाला कि यू नो उसका का मेरे को याद है मैंने अपने एक इन्वेस्टर को कॉल किया था लाइक हु आज क्वाइट क्लोज टू अस मैंने बोला कि uh, सर मैं समझ में आ रहा कि अब क्या करूँ अब <laughs> तो नहीं चलेगा मतलब इट्स एंड ही सेट कि यू नो दिस वट डजन क्ल्यू मेक्स यू स्ट्रॉगर एंड उस वक्त मैं बोला हाँ ठीक है यार बढ़िया कोर्ट इन ऑल दैट बट बाद में एग्जैक्टलीपन यू सम हाउ यू फिगर टू सर्वाइव एन द स्टोरी आई थिंक यू नो इट इट टुक अ कॉम्बिनेशन ऑफ यू नो परसिस्टेंस एंड लक एंड ऑल दैट बट इन द एंड यू नो ड्यूरिंग दो सिक्स मंथ यू मेड ऑफ फंडामेंटल चेंजेस टू बिजनेस वी टुक ऑल द हार्ड कॉल्स वी शट डाउन ऑल द फ्रिवलस थिंग्स सो दैट क्राइसिस इन द फोर्सिंग फंक्शन सट विच बाय द वे नो अगेन लिफ्ट थ्रू इन कल्ट में जब पैंडमिक चालू हुआ था तो दो में यू नो

एंड नो लाइन ऑफ साइट ऑन ऑल द सेंटर इज देर एक्सपेंसि पे पेरो पे रेंट एंड ऑल ऑफ दैट एंड दैट यू नो रियली फोर्स थिंक वेरी यू नो हार्ड एंड हमें पहले लग रहा था कि उसके थोड़ा सा शुरू में कि चलो शॉर्ट टर्म क्राइसिस है देख लेंगे मतलब कुछ मिस्टेक सम हार्ड कॉल्स दो तीन महीने बट वेव वन आया तो चलना शुरू हुआ तो फिर वेव टू आ गया फिर वो ख़त्म होते करते गए तो फिर वेव थ्री आया तो अट्ठारह महीने तक ऑलमोस्ट बिजनेस बंद रहा एंड इट फोर्स अस थिंग वेरी डीप मेक सो मेनी फंडामेंटल चेंजेस टूडे अगेन वी आर डूइंग फिनॉमली वेल बट द रीजन वी आर डूइंग वेल इज बिकॉज द क्राइसिस फोर्स यू नो सो मेनी चेंजेस अपॉन अस विद गुड टाइम्स से वी वुड नॉट है सबसे बड़ा चेंज था पैंडेमिक को अप कैसे क्या करते हैं? यार बिगेस्ट चेंज वॉज वी वर ट्राइंग टू डू टू मेरी थिंग्स हम चाहते थे यू you नो know, अब विजन पहले था अभी भी है कि हम हेल्दी लाइफ को ठीक से सॉल्व करना चाहते हैं हेल्दी लाइफ खाली फिटनेस से नहीं हो सकती हुँ. आपको फिट भी रहना चाहिए यू नो टू ईट वेल यू नो टेक योर मेंटल हेल्थ यू नो टू स्लीप वेल यूड यूर एनुअल हेल्थ चेकअप तो हम पूरा प्लेटफॉर्म बना रहे थे टू विल टू डू दैट नाउ दैट्स अ विजन लेवल बट अल्टीमेटली ईच ऑफ इज अ डिफरेंट ऑफरिंग दे हैव डिफरेंट रिक्वायरमेंट डिफरेंट सप्लाई चेन डिफरेंट पोजिशनिंग तो बाकी सब में बहुत सारे इन्वेस्टमेंट हो रहा था बट ना तो स्केल आ रहा था एंड वेडी बैड तो वी वर इन सम वेज यू नो इन द हाइप टाइम बर्निंग लॉट ऑफ मनी ऑल दैज एंड नॉट पेइंग टू मच अटेंशन टू द फंडामेंटल प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस सेकंड यू नो वी आर ऑल्सो हाई कि कल्ट का द्रुप क्लास फॉर्मेट वज ग्रेट कस्टमर लवर्स इन लाव ऑफ द डेड वट वउट इज कि ग्रुप क्लास इज नॉट द ओनली वे टू वर्कआउट द ट्रेडिशनल जिम्स ऑल्सो एग्जिट मशीनस एंड फ्री वेट्स एंड बार्स है रोल टू प्ले तो उसको हम पूरा इग्नोर कर रहे थे यू नो पेंडिंग वे रियलाइज की पूरे इंडिया में जम इंडस्ट्री स्ट्रगल कर रही है तो विक्रिएट इज एग्रीगेशन प्रोडक्ट वी कॉल इट कल्ट पास उसमें वी वन टू ऑल दिस जिम्स यू आल्सो कॉमन प्लेटफॉर्म सो थ्रू कल्ट पास पीपल गेट एक्सेस टू ऑल दिस ग्रुप क्लासेस एज वेज ट्रेडिशनल वर्कआउट तो आर फुट फिटनेस ग्रोन फ्रॉम टू फिफ्टी सेंटर सिक्स हंड्रेड सेंटर्स टूडे वी आर बाई द लार्जेस्ट फिटनेस इन द कंट्री लाइक रियली डॉमिन वी आलो एबल टू दॉ टेक एडवान गोल्ड जिम इंडिया नाउ गोल्ड अंड तो अवर यू नो वी बिकम मोर फोकस्ड ऑन फिटनेस रिमूव रिवलेस प्रोजेक्ट्स एंड एबल टू यू नो स्ट्रेंथन इन दटेगरी सो आई एम स्टार्टिंग आउट एंड बहुत सारे लोग बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो है रिसेंटली जिसे थोड़ा सा मुझे तो परेशान कर रखा है राइट आई नाम श्योर सबको परेशान कर रखा है कि यार अभी ना स्टार्टअप के लिए टाइम बेकार चल रहा है वर्ल्ड वाइड कैपिटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंक्रीज हो रही है रिसेशन right. आ रहा है राइट मे बी वो लोग तो बोल रहे स्टार्ट हो गया है राइट यू नो हज़ार चीजें एंड इट्स जिस बैड टाइम फॉर स्टार्टअप तुम अगला राउंड नहीं उठा पाओगे तुम काम नहीं कर पाओगे Correct. तुमको अच्छे लोग नहीं ज्वाइन कर पाएंगे यू नो राइट ऑल सॉर्ट्स ऑफ करेक्ट दो हजार तेईस में उसमें कोई दो राय नहीं है think, uh, में think, now, mm -hmm. कि दो क्वार्टर का इंडिया सीम्स लार्जली इम्यून आई थिंक हमारे पास बहुत सारी ऑर्गेनिक डोमेस्टिक डिमांड भी है डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट भी है तो वी सीम टू बी इन अ मच मच बेटर सिचुएशन बट अल्टीमेटली ग्लोबल इकोनॉमी है सब कुछ इंटरकनेक्टेड है थोड़ा बहुत फर्क तो पड़ता ही है तो इट विल भी स्लोअर इसमें कोई शक नहीं है बट आई थिंक ऑनटरप्रोनरशि आई लुक एट इट कि ऑंटरप्रोनरशिप कम से कम दस साल की जर्नी होती है टिपिकली बिजनेस साइकिल का कोई फॉर्मूला नहीं है बट यू नो बिटवीन फोर टू सिक्स ईयर्स इट गोज द होल बिजनेस साइकिल देर आर हाई पीयर्स देर इज अ करेक्शन समटाइम दर इज ए रिसेसन दर इज रिवाइवल तो स्टार्टअप में न यू कॉन्ट थिंक अबाउट टाइमिंग डज नॉट मैटर दैट मच बिकॉज आपकी अच्छी कंपनी बनेगी तो दस साल लगेंगे इनफैक्ट hmm. एक और आपको स्टार्ट बता दूंगा ऑलमोस्ट ऑल कंपनी उनको जो वैल्यू क्रिएट करते हैं सेकंड टिकेट का वैल्यू क्रिएट इज नाइन्टी परसेंट ऑफ नो ओवरऑल वैल्यू क्रिएशन तो आप कुछ भी बना लो अपने इंडिया में जितने सारे ऑल द यू नो एग्जाम्पल यू कैन सी फ्रॉम फ्लिपकार्ट टू जोमेटो टू पेटीएम टू मिट्रा टू यू नो सबका सेकंड टिकट इज वेद द रियल वैल्यू क्रिएशनिंग एंड इफ यू लुक एट समथिंग लाइक टी सी एस यू नो विच इज नाउ टू हंड्रेड बिलियन डॉलर कंपनी सिक्सटी एट राइट एंड ऑल ऑफ देर वैल्यू क्रिएशन हैप इन लास्ट टेन टू फिफ्टीन ईयर्स तो आई थिंक आपको दस से पंद्रह साल का टाइम फ्रेम लाकर चलना पड़ता है इसलिए मोर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन टू आस्क इज़ की क्या मैं इस चीज़ को लाइक डू आई फील सो पैशनट अबाउट दिस थिंग कि मैं इसको दस साल दे पाऊंगा अपने जीवन के अगर आपको तैयार एक दो साल में कुछ नहीं होता वो मतलब hmm. वो शौक आके खत्म हो जाता है और चला जाता है राइट इफ़ यू आर लकी यू में गेट सम गुड ब्रेक्स इफ यर नॉट लकी यू में नॉट बट आपका अच्छा प्रोडक्ट बनाने में अच्छा ब्रांड बनाने में अच्छी टीम बनाने में सब में टाइम लगेगा राइट एंड देन यू हेव टू ऑलो नेविगेट बिजनेस साइकिल्स यू नो टू लर्न की वैन टाइम्स आर वेल द कैपिटल इज चीप देन हाउ टू यूज़ इज स्मार्टली हाउ टू नॉट गेट कैरी अवे लाइक वी डेट कि अगर कैपिटल चीप है तो मतलब सब कुछ करना चालू कर दो राइट दट्स आ यू नो पे बिगर प्राइस फॉर दैट सिमरली जनरली पीपल से कि रिसेसन वाले टाइम अ स्लो डाउन आज ग्रेट टाइम टू स्टार्ट बिकॉज उस वक्त ओनली रियली गुड कंपनीज गेट फंडेड सो दैट इज़ वन फिल्टरेशन इन्वेस्टर प्रेशर यू डोंट do stupid things कि यू you नो know, कल को कुछ नंबर दिखाने के जल्दी जल्दी कुछ करनी कुछ कर रहे हो hmm. तो थोड़ा आराम से पेशेंस से बना सकते हो तो आई थिंक आई फील कि इट डजन रियली मेटर आई थिंक इफ यू रियली यू नो दिस इज न्यू बुक आई एम रीडिंग इट्स कॉल्ड फॉल इन लव विद द प्रॉब्लम और द सोल्यूशन आई थिंक ऑन्टरप्रूनशिप के लिए hmm. बहुत जरूरी है कि आपको प्रॉब्लम से पसंद आने चाहिए उसलिए नहीं करना है कि जुगाड़ के लिए कि कुछ नई अपॉर्चुनिटी है लेकिन अगर पर्सनल कनेक्ट है उस स्पेस के लिए उसके लिए पैशन है और रियली थिंक really कि आप कुछ प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व कर सकते हो जो और कोई सॉल्व नहीं कर सकता दैट्स अ बेस्ट टू टू स्टार्ट एंड लॉन्चिविटी तो चाहिए चाहिए एंड सो देर फॉर एज एंडरव प्रिपेरिंग फॉर इट की आई एम एबल टू गिव इट यू नो टेन ईयर साइकोलॉजिकली बिकॉज गॉन टफ फाइनेंशली डू हाई माई सपोर्ट सिस्टम इफ यू आर नाउ स्टीम आफ्टर वन आर टू ईयर यू विज जस्ट ऑलमोस्ट नो अदर नाउट पॉसिबल नो इट्स ट्रू एंड आई थिंक वो पीटर्थ हिल की जो बुक पर हम बात करते थे जीरो टू वन उसमें भी यही है कि राइट इन अ ग्रोइंग मार्केट इफ यू आर बिल्डिंग

I think people are still underappreciating India opportunity. Like, we've all seen, you know, the boom of China in the last 10 to 15 years. Hmm. Right? It is China has close to, you know, overtaking US economy in terms yeah. of, you know. I think India is exactly at that junction where China was 10, 12 years ago and all the stars are aligned. I hmm. time So, like, any thinking about that very deeply, understanding India deeply, right? What you are trying to do with this podcast.

कि यंग लोग सारे लोग है ना हासिल mm -hmm. करते हैं पैसे कमाते right. हैं लाइफ किल करते हैं yeah. पार्टी करते हैं हर चीज करनी है राइट हेल्थ इज द लास्ट थिंग विच वी गिव अटेंशन टू लास्ट हम लोग हेल्थ पे तो ध्यान देते नहीं ज्यादा right. और सब लोग ऐसे करते हैं दे कर लेंगे यार right. बाद में कर लेंगे राइट hmm. right? तो पहली चीज तो इन वन लाइन वाई डू यू फील कि हर किसी को हेल्थ पे फोकस करना चाहिए डू यू थिंक कि उनका बिकज आई टेल यू यू नो एफ

हेल्थ में इन्वेस्ट करना इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द बुक में आई यूज़ वन कोर्ट की इफ़ यू डोंट टेक केयर ऑफ़ योर बॉडी वे डूट इंटेंड टू लिव लाइक हमारा जो भी है लाइक like, पूरा अस्तित्व यू नो बॉडी में ही है hmm. सब कुछ हमारे ड्रीम एस्पिरेशन पैसे भी कमाओगे मतलब वो बॉडी पे ही यूज़ करोगे ना कपड़े बॉडी पे पहनते yeah. हो खाना बॉडी से खाते हो राइट यू नो सोचते हो अपने बॉडी माइंड से पर्सनल रिलेशन के लिए यू नो सो आई थिंक इट्स टू इम्पॉर्टेंट पहले उतना अगर आप बीस तीस साल पहले जाओगे तो हमारी लाइफ ऐसी थी कि अपने आप वो हेल्थ का काम हो जाता था लोग दिन में तीन बार खाते थे जंक फूड अवेलेबल नहीं होता था यू हैड टू गो आउटडोर्स यू टू यूज़ बॉडी नेचुरली मोर तो उतना प्रोएक्टिवली ज़रूरत नहीं थी बट आई थिंक अभी हमारी लाइफ और हेल्थ में इतना डिस्कनेक्ट आ गया है अगर जो लोग ये सोचते हैं कि अभी पैसे कमा लेते हैं बाद में करेंगे बाद में बहुत लेट हो जाएगा क्योंकि आपकी हैबिट्स ऐसी बन जाएंगी जिनको चेंज करना मुश्किल होगा यू नो वंस यू स्टार्ट डीलिंग विथ थिंग्स लाइक डायबिटीज़ अभी इंडिया में फोर्टीज़ में लोगों को डायबिटीज़ होना शुरू हो गया है हाइपर टेंशन बहुत कॉमन मेंटल हेल्थ इशूज तो हर किसी को है yeah. मतलब लोग को पता नहीं होता दे एक्सप्रेस डिफरेंट है एंगर इशूज एंगजाइटी इशूज स्ट्रेस इशूज लोगों को स्लीप मतलब इन सॉमने इज़ अ्यूज इशू मोस्ट स्ट्रगल टू फॉल अ मतलब एक टू थ्री आवर्स फोन पर कुछ कुछ देखते रहते हैं जस्ट द ब्लू लाइट गोइंग टू योर आइज सो माई एडवाइज इन पीपल हु वॉन्ट टू प्ले द इंडिया स्टोरी फॉर द लॉन्ग टर्म यू हैव टू टेक केयर ऑफ यूर माइंड एंड बॉडी विच विल गिव यू स्टेमिना स्टेइंग पावर यू कैन वर्क ऑन समथिंग लॉन्ग टर्म एंड और यूर मोर फोकस इन प्रोडक्टिव दिमाग बढ़िया चलता है प्रॉब्लम सॉल्विंग बढ़िया होती है स्ट्रेस कम होता है लाइक देर इज़ एपसी नो क्वेश्चन आई थिंक आई विल वेरी स्ट्रॉन्गली रिकमेंड केयर दिन में मैं थोड़ा अवेयरनेस सिर्फ hmm. हर चीज हेल्थ के लिए टाइम ही लगता आप खाना तो खाते ही हो यू कैन इट जंक फूड और यू कैन इट अ रिलेटेड हेल्थीर फूड और हेल्थी फूड का यह मतलब नहीं कि आपको सिर्फ अवोकोडो और एस्पेरिग्स खाना है right? राइट सिर्फ सिम्पल दाल रोटी इज़ ऑल्सो वेरी हेल्दी लाइक एज लॉन्ग एज सिम्पल होम कोकड यू नो मोर प्लान बेस्ड यू नो मोर रॉ और अंडर कुकड दैट विल डू द जॉब सिम्पली यू नो यू कैन जस्ट मूव थ्रू आउट द डे नोवनी सिंह कि आपको जिम जाके ही वर्कआउट करना है बट डोंट भी स्टेशनरी नो ऑल डे स्लीप के लिए थोड़ा पैराडाइज कर लो आई थिंक लोग को बोलते हैं सोने का टाइम नहीं है बट कॉन्टेंट देखने का पूरा टाइम है राइट आई मीन द स्टार्ट इंडिया में मोस्ट पीपल इन द एज ऑफ ट्वेंटी टू फोर्टी द स्पेंड फोर टू फाइव आवर्स कंज्यूमिंग कॉन्टेंट

आई फील मैं बहुत आई गेट वेरी लेथाजिक पैंडमिक के बाद से इसकी वजह से आई है तो क्या चाहिए होता है स्टेमिना बढ़ाने के लिए एनर्जी बढ़ाने के लिए मतलब वॉट्स द साइंस बिहाइंड कि कैसे उसको कोई हैक करके बढ़ा कैसे सकता है लाइफ में यार कुछ भी बढ़ा करने के लिए ट्रेनिंग चाहिए होती है तो आपको जो भी सीखना चाहते हो उसके लिए ट्रेन करना पड़ेगा तो इट लज फॉर एग्जाम्पल इफ यू डोंट रन इट ऑल

एट वो इट गोज टू फर्नर ट्रूथ कि हमारी लाइफ में जो दिन भर होता है मैक्सिमम हैबिट ड्रिवन होता है mm -hmm. उसका आप एग्जाम्पल दूंगा कि आप अगर देखोगे लोगों को कि uh, जैसे यू नो वी ऑल लेट्स ए पीपल यू नोड यू ड्राइव टू ऑफिस यू पार्क सम तो पीपल यू नो ऑलवेज यू नो दे विल स्टेप आउट विद सेम फीट और वेन दे यू नो वेयर सॉक्स इन द मॉर्निंग यू विल ऑलवेज पुट यू नो समीवल पुट इन द लेफ्ट फुट और राइट फुट पुट वो कभी चेंज नहीं होता

ये रूल्स सिंप्लीफाई कर देते हैं आपको पूरे बुक में आई हैव कवर्ड द साइंस एवरी राइट उसको समझने में टाइम लगेगा बट अगर आपके टाइम नहीं है यू वॉन्ट गेट टू द क्रक्स ऑफ इट तो आप ये रूल्स को फॉलो कर लीजिए द फर्स्ट रूल एंड दिस दीज रूल्स स्टेम फ्रॉम डीप साइंस अबाउट द हेल्थ ओके फॉर एग्जांपल पहला रूल यू नो यूज़ इट और लूज इट तो हमारी बॉडी पूरी ऐसे फंक्शन करती है बॉडी ब्रेन एवरीथिंग यू नो और बॉडी इज़ ए वेरी एनर्जी एफिशिएंट मशीन जो हम यूज़ नहीं करते हैं और बॉडी कंटिन्यू डिप्राइविट इट वेरी सिंपल एग्जाम्पल जैसे आपको कभी कास्ट लगता है नो फ्रैक्चर होता है जैसे बचपन मेरे को बताया ईयर ओल्ड आई वॉज इन कास्ट फॉर ऑलमोस्ट सिक्स वीक्स वंस दे रिमूव द कास्ट यू सी कि पूरा मसल एवरीथिंग इज गॉन इज जस्ट बोन एंड स्किन बिकॉज वॉट हैपन्स इज योअर ब्रेन रियलाइजेज की दीज मसल्स आर नॉट इन यूज एट ऑल सो द इज नो पॉइंट फीडिंग दिस मसल्स तो वो रिडेंडेंट है तो प्री मच एवरी हेल्थ वर्क लाइक दैट इन यू ट्रेन फॉर समथिंग इट गेट्स बटर यू नो दैट्स अव ऑल एक्सरसाइज रेजिमेंट वर्क यू नो आउ लाइफ स्टाइल हैबिटि वर्क आप

वी अब ब्रेन मोस्ट ऑफ द ब्रेन प्रोसेसिंग इज डिवोटेड टू प्रोसेसिंग थिंग्स विच अलाउज टू मूव लाइक बिग पार्ट ऑफ ब्रेन इज विजल कॉटेक्स विच प्रोसेस ऑफ द लाइट वी नीड टू स्वील टू सी सो दैट वी कैन नेविगेट कि कहाँ पे डेंजर है कहाँ पे फूड है कहाँ पे यू नो प्रे एंड सोन रेड सो वी कैन अवॉइड ऑल ऑफ दैट मैंने आपने सब कुछ ट्राई किया है एंड अल्टीमेटली आई रियलाइज की दो तीन बेसिक चीज़ होनी चाहिए अगर आपकी वर्कआउट में थोड़ा सा हार्ट रेट ऊपर हो जाए सो हार्ट रेट ट्रेनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नॉर्मली आप लोगों का हार्ट बीट यू you नो know, सत्तर अस्सी के बीच में रहता है बट वन यू ट्रेन 120, 130 बीस एक सौ कभी एक पे ले जाओ तो देन हार्ट लर्नस हाउ टू पम्प फास्टर इट क्लियर्स अप योर आर्टरीज एक्सेट्रा सिमिलरली थोड़ा सा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग उसके लिए कुछ भी यूज करते हैं बॉडी वेट योगा में इतने सारे आसन होते हैं उसमें अपने हाथ पे पैर पे यू नो यू लिफ्ट बैलेंस योर एंटायर बॉडी थर्ड इज स्ट्रेचिंग यू नो एनी काइंड ऑफ स्ट्रेचिंग एंड मूवमेंट इट डजेंट मैटर आप ताइची से कर रहे हो योगा से कर रहे हो यू नो वेट लिफ्टिंग कर रहे हो यू नो कैलिस्थेनिक्स कर रहे हो तो राइट नो माई रिकमेंडेशन इज़ कि जस्ट मूव थोड़ा सा यू you नो know,

टाइम तो पूछते रहेंगे हमें वर्कआउट करना इंपॉर्टेंट है।, <laughs> like like है इसी की वजह से मैं जाता हूँ शायद नहीं तो मैं करूँगी कभी दो तीन सिंपल चीज़ हाँ ध्यान में रखने के लिए एक तो सबसे पहले अगर आप कुछ वर्कआउट नहीं करते हो hmm. तो वॉकिंग इज बेस्ट फॉर यू लाइक वॉकिंग प्रटी मच डिलीवर्स एट्टी नाइनटी परसेंट बेनिफिट ऑब्वियस यू नो बॉडी बिल्डिंग नहीं होगी आपके बड़े बल्किंग मसल नहीं होंगे फ्रॉम हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से इट विल टेक केयर ऑफ मोस्ट ऑफ द थिंग्स यू नीड वॉकिंग और साइकिलिंग और स्विमिंग थोड़ा अगर वर्कआउट रेगुलरली करना है दो चीज़ें काफ़ी हेल्प करती हैं एक तो अगर इफ़ यू आर एबल टू सेट अ पर्टिकुलर टाइम ऑफ द डे क्योंकि वो हैबिट बिल्डिंग में टाइम काफ़ी टाइम लगता है और एक बार हैबिट बन जाए तो वन हैक आई फैंड वेरी यूजफुल की अगर आप चाहते हो कि सुबह आठ बजे या शाम को पाँच बजे वर्कआउट करना है तो उस वक्त से इतना कर दो जिम के वो कपड़े पहन लो जूते पहन लो और जिम में चले जाओ मन करा तो कर लो नहीं मन करा मत करो बट अगर आप ए, एक हफ्ते दो हफ्ते तीन हफ्ते करते रहोगे तो थोड़ा बहुत सुना कुछ चालू कर दोगे तो इन दटस अ बिगेस्ट थिंग कम इन द वे क्योंकि वो जिम जाके वर्कआउट करना उतना मुश्किल नहीं होता बट जिम जाना बहुत मुश्किल होता है थर्ड थिंग ऑन टॉप ऑफ दैट इफ यू कैन अफोर्ड इट यू कैन गेट अ इनिशियल स्टेज में ट्रेनर या बडी तो उससे अकाउंटेबिलिटी काफी आ जाती है कोई आपको बताने वाला हो जाता है कि ये कर लो वैसे कर लो राइट right? मोटिवेशन होता है hmm. मैंने शुरू में जब बॉडी बिल्डिंग चालू किया था मेरा रूममेट उसने बॉडी बिल्डिंग शुरू की थी hmm. और महीना देखा दिखाया मैं वो तो एकदम चेंज हो गया है मतलब ही आई आई वेरी स्किनी किड एंड एंड दिस लुकिंग यू नो राइट बिग टाइम तो फिर मैंने उसके जाना शुरू कर दिया फिर थोड़े दिन बाद आपस में यू नो काफी कॉम्पिटिटिव बन गया इंसिडेंटली दिस गाइज समीर यू नो ही नाउ हेल्थ कार्ड सो हीसो लॉन्ग वे एंड बोथ ऑफ अस इन द हेल्थ एंड फिटनेस स्पेस बट वो हैविंग समबडडी दर यूर वर्किंग आउट विद यू नो द फ्रेंडली कॉम्पिटिशन थोड़ा बॉडी में आगे बढ़ते हो तो समबडडी कैन स्पॉट यू हो एंड गिव ऑल दैट हेल्स बिग टाइप जो तीन चीजें अगर कुछ भी नहीं कर सकते हो, दिन में विद सम ट्रैकर टेन थाउजेंड स्टेप्स कर लो अगर स्विमिंग अच्छी लगती है तो आधे घंटे स्विमिंग कर लो राइट साइकिलिंग कर लो ग्रेट अगर और कुछ नहीं भी करो तब भी थिंग्स विल प्री गुड फॉर यू है फिक्स टाइम टू वर्किंग आउट दिल हेल्प यू एंड हैव समी यू नो इधर ट्रेन टू वर्क फिक्स टाइम डू यू फील की फिक्स टाइम जरूरी है

तो मिस आउट होना बहुत मुश्किल है अगर आपकी हैबिट बन गई इस टाइम में तो क्या तो धीरे धीरे इट बिकम्स पार्ट ऑफ योर डेली स्केड्यूल इट पार्ट ऑफ इवन योर आइडेंटिटी की जैसे फॉर एग्जाम्पल मी आई एम समबडी हु हैज टू बी जिम ए सिक्स एम अब कुछ भी हो जाए इट डजेंट मैटर कि कल क्या होता है परसों क्या होगा लाइक like, छः बजे मेरे को जिम कभी मैं बिल्कुल वर्कआउट नहीं करता हूँ आई जस्ट लो फाउंड बट स्टिल आई शो अप राइट तो हैबिट के पॉइंट इज काफी इंपॉर्टेंट सेकंड ऑल्सो हाउ आवर यू नो बायोलॉजी वर्क्स लाइक वी हैव ऑल दिस यू नो रिदम्स गोइंग ऑन अवर बॉडी रिदम दिस दैट राइट तो अब कुछ सेट टाइम पर चीज़ें करते हो तो बॉडी अडेप्टर स्केजल बॉडी स्टार्ट्स एक्सपेक्टिंग इट एंड देन टू यू नो रेस थिंग्स अप स्लो थिंग्स डाउन इफ यू काफ़ी रात में लेट वर्कआउट करोगे तो उससे स्लीप इफेक्ट होगी नेगेटिवली लाइट मॉर्निंग वर्कआउट करोगे एंड यू आर नॉट यूज़ टू इट इफेक्ट यू एनर्जी लेवल विद द डे तो आई थिंक कंडीशनिंग फॉर अ पर्टिकुलर टाइम आई थिंक इज जस्ट यू नो इजियर टू स्टे विद डेट फॉर लॉन्ग फिफ टाइम इंटरेस्टिंग क्योंकि मैं तो अलग अलग टाइम okay, पर करता हूँ ओके मैंने रिसेंटली ना एक चीज़ पढ़ ली थी hmm. uh, कि एक आइडियल फिटनेस वर्क आपका hmm. जो रूटीन होता है उसमें वीकली आपकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होनी चाहिए राइट right. आपका कार्डियो होना चाहिए राइट एंड आपका कंडीशनिंग होनी चाहिए right. इन तीनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए दैट्स द बेस्ट वे राइट टू डू इट आई डोंट नो कि और भी कुछ होता आर, है तो. मेरे ख्याल से बेस्ट वे कुछ नहीं होता आई थिंक अगेन आई विल गो बैक टू कि आपको सिर्फ थोड़ा मूवमेंट जरूरी है थोड़ी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है थोड़ी हार्ड कंडीशनिंग लॉट डिपेंड्स ऑन वट योर हेल्थ गोल्स आर लाइक आई वुड लाइक टू बिल्कुल मैक्सिमम लोगों लोग हेल्थ गोल है कि मेरे को सिर्फ हेल्थी रहना है बीमार hmm. नहीं पड़ना

पब्लिक पार्क्स में ही लोग कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं right. दिन भर कर, कोई कोई right. कर like right. thi... right. right? इंडिया में ऐसा नहीं देखने को मिलता correct. बहुत कम होता है right. तो ऐसा क्यों है कि में See, इंडिया में हम लोग इंडिया में डायबिटीज कैपिटल अभी बन रहा है ऐसा नहीं था आई थिंक पिछले तीस चालीस में ऐसे एफ्लुएंस बढ़ना शुरू हुआ

तो उनको बेचारे को दो बार मतलब पहले सुबह जाना फिर लंच में वापस आना फिर जाना फिर, फिर वापस राइट उस वक्त लगता था कि यार क्या मजबूरी है स्कूटर होता है कार होता बहुत मजा आता है राइट बट ही वॉज एक्सरसाइजिंग तो ही वॉज नेवर पुट ऑन वेट सिमिलरली यू नो आई वॉज जस्ट ऑलवेज एक्टिव इन प्लेइंग तो अभी पिछले तीस चालीस साल में क्या हुआ कि यू नो वी हैव अडोप्टज वेस्टर्न लाइफ स्टाइल इन वेरी बिग वे जो सब वेस्ट में होता है हमने ये सब करना शुरू कर दिया यहाँ पे अब मैकडोनल्ड भी आ गया है यू नो ऑल द मल्टीप्लेक्स हैव कम एंड बट वी हैव नॉट कॉट ऑफ द अदर पार्ट ऑफ देर लाइफ स्टाइल अबाउट द यू एस इज इस वेरी बिग स्पोर्ट्स कल्चर वहाँ पे यू नो इफ आर ए यंग डैड प्लेइंग विद किड इन दर्क इज जस्ट समथिंग यू डू लाइक एवरीबडी नॉर्मल थिंग राइट यहाँ पे ऐसा नहीं है कितने बच्चे अपने फादर के साथ बाहर खेलते हैं राइट यू नो मे बी इन न्यूअर जनरेशन थोड़ा बहुत है बट डेफिनेट नॉट फॉर द मोस्ट पार्ट तो हमने द बैड एस्पेक्ट ऑफ वेस्टर्न लाइफ स्टाइल को पूरी तरह अडोप्ट कर लिया है सब लोग वही करते हैं राइट बट द अदर एस्पेक्ट्स राइट वेट देरी एक्टिव द स्पोर्ट्स ए बिग पार्ट ऑफ लाइफ एंड इन दें

ये यू मे है स्लाइटली जनरल की प्री बट वो लाइफ की वजह से होती हैं hmm. आप सडेंटरी लाइफ स्टाइल कर अडाप्ट करोगे दिन भर खाते रहोगे मोस्टली कार्बोनेटेड फूड योर शुगर मेटेलिज्म बट द गुड थिंग अबाउट ऑल दिस इज यू नो इट कैन बी रिवर्स सो मोस्ट द बिगेस्ट इंटरवेंशन फॉर एनी काइंड ऑफ लाइफ स्टाइल डिजीजे लाइफ स्टाइल चेंजेस दिस इज कल्चरल बट ऑल्सो एक्सेस यू नो इंडिया में अगेन जनरली यू नो वी ऑल लिव इन वेरी बिग कंजस्टेड सिटीज यहाँ पर ऐसा भी नहीं बहुत सारे बड़े पार्क exactly. है स्पोर्ट्स फैसिलिटीज है राइट right? तो द infrastructure ऑल्सो डजन exist. पीपल need टू गो आउट ऑफ their वे और इनोवेट टू क्रिएट द infrastructure. <laughs> तो इधर वॉक करने जाएंगे कहाँ <laughs> <laughs> अरे यार मेरा एक फ्रेंड है उसने पैंडमिक में वो अपने अपार्टमेंट के अंदर डेली टेन थाउजेंड स्ट करता था, था अगर मोस्ट उस अपार्टमेंट देखो मैं छोटा भी एक घर होगा तब तो भी वो किचन से लेकर यू नो बेडरूम तक कम से कम पच्चीस स्टेप होते हैं hmm. पच्चीस एक तरफ़ पच्चीस दूसरे पचास हो गए ऐसे आप सौ बार कर लो तो पाँच हज़ार स्टेप हो गए तो थोड़ा नहीं देर से वेल देर से वे टाइप का सिचुएशन है आई थिंक अवेयरनेस होना चाहिए यू नो टू वन ऑफ थिंगस आई डिड इन पैंडमिक लाइक आई है ट्रेडमिल एट होम तो मैंने किया ट्रेडमिल के ऊपर एक आई पैड लगा दिया और आई यूज टू माई जूम कॉल जैसे अभी हम बात कर रहे हैं तो हेडफोन लगा के ब्लूटूथ से कनेक्टेड है उस पर जूम चल रहा है मैं ट्रेडमिल वॉक कर रहा हूँ तो पीपल विल सी कि वो सारे बैठे हुए हमने और आई एम जस्ट वॉकिंग राइट एंड यू सरप्राइज एवरी वन आवर यू फिनिश ऑलमोस्ट सिक्स सेवन थाउजेंड स्टेप्स तो पैंडमिक टाइम तो कभी कभी मेरे बीस हजार स्टेप भी हो जाते थे तो थोड़ा सा अवेयरनेस एंड थोड़ा सा कमिटमेंट चाहिए एंड वंस यू सी नो एक हैक भी है सो मैंने ये कहीं पर सुना था और तब से मैंने फॉलो करना स्टार्ट कर दिया इसको कि एवरी टाइम योर इन अटिंग डू द मीटिंग वाइल योर स्टैंडिंग योर मीटिंग टाइम गेट शॉर्ट्स मोस्ट स्पेसिफिक एंड यूल ओन बॉडी में तो यार हम लोग उसको स्टैंड मीटिंग्स उसका hmm. पर्पज वो मतलब इट स्टार्टेड इन बेर या ट्वेंटी इयर्स हो गो उसका आइडिया यही था कि आप नॉर्मल मीटिंग में तो लोग कॉन्फ्रेंस में आकर बैठते रहते हैं चाहे यू नो कुकी लेकर बात करते रहते हैं चलता रहता है स्टैंड अपटिंग में नो एन अलाउ ट खड़ो के आप बात करो वो जनरली पंद्रह मिनट खत्म हो जाती है ah. जन्ली जन्ली जो जैसे अभी हम लोग यू बैठ के बात सी और वी आर नॉट डिजाइन टू सिट ऑल डे जस्ट इट्स नहीं तो हम प्लान किधर होते हैं अगर मतलब उसके हमारे बॉडी वुड हैव हैव इवॉल्व वुड वेरी डिफरेंटली तो आई थिंक दिस होल यू नो कल्चर ऑफ कंटिन्यू सिटिंग एंड कंज्यूमिंग एवरीथिंग वाई फूड एंटरटेनमेंट एवरीथिंग हैज गो अवे लाइक जो आप बोल रहे हो कि के जूम कर लो राइट hmm. हो सकता है आइडियल वर्ल्ड में मतलब यू आई शुड हैव दिस इन पार्क हम वॉक करते रहते हैं कैमरा शायद मतलब कुछ फिर हो जाएगा टेक्नोलॉजी से और आराम से जब तक हमारी कन्वर्सेशन खत्म होगी और दोनों के पाँच हजार स्टेप हो जाएंगे पॉडकास्ट <laughs> hey, uh, yeah, hey. you know. बहुत छोटे होंगे और like. नहीं लंबे I mean, uh, मॉर्निंग में थोड़ा जल्दी आ गए हो हम पॉडकास्ट करने वाले जूहू बीच पे बढ़िया वॉक करेंगे हैक्स की बॉडी को परेशान कैसे करें क्योंकि छोटे छोटे आई थिंक ये बहुत ईजी है करना right. अब टेलिंग सम्वन की यार उठो रोज जाके एकदम बॉडी बनाने लग जाओ बहुत इट्स ओके बट बॉडी को धीरे धीरे परेशान करना वेरी इजी एंड इट समी बॉडी के अंग्रेजी मेंक्स जैसे यू नो वन एग्जाम्पल कंट्रोल स्टाइल ऑल दिस यू नो हीट ट्रीटमेंट यू नो सोना ये वो राइट यू नो आप फैसी जिम में जा सकते हो वहाँ पे सब हो सकता है बट मैं जब भी डेली जाता हूँ <laughs> समर में आई मेक इट अ पॉइंट कि दस मिनट वो लोग बोलते हैं लूग लग जाएगी ये हो जाएगा पर फॉर मी वो हॉर्मोसिस के लिए यू नो परफेक्ट इन्वायरमेंट है तो मैं दस मिनट यू नो तीन बजे बाहर आराम से ऑब्वियसली यू नोट टू बी हाइड्रेटेड वेल एंड नोट बी केयरफुल बिकॉज यू नो इट कैन बी हार्मफुल ऑल्सो और एक घंटा नहीं करना है बट दैट्स एन एग्जाम्पल मैं जिम पे कभी कभी यू you नो know, आई जस्ट स्टैंड ऑन योगा में ट्री पोज होता है जब आप एक लेग पे खड़े होते हो आई जस्ट डू दैट यू नो फॉर इन बिटवीन माई मतलब आई एम डूइंगउट सेट के बीच में वेट कर रहे हैं तो आई जस्ट ट्री पोज ऑन लेफ्ट लेग और राइट लेग तो अगेन दैट्सोटमली गर्मी में बाहर जाओ थर्ड में बाहर जाओ अभी आई वेंट टू यूरोप डूरिंग विंटर्स वहाँ पे सारे डे बर्फ थी राइट बट समाइम टी शर्ट में आई जस्ट द बालकनी एंड स्टैंड देयर, राइट एंड वो मेरा कोल्ड थेरेपी अपने आप आराम से हो रहा है तो यू कैन फाइंड समटाइम यू नो फास्टिंग के लिए अगर आप रेगुलर फास्टिंग नहीं भी करते हो जस्ट स्कीप मील काफ़ी परेशानी होगी लाइक अगर आप दिन में तीन या चार या पाँच बार खाते हो बट स्कीपिंग दैट मील विल अगेन यू इंड्यूज द स्ट्रेस थोड़ा सा जीव लगना शुरू हो जाएगा आधे घंटे के बाद बट इफ यू कीप डूंग इट आफ्टर अल योर बॉडी के रूस यू विल नॉट रियली फील एनी थिंग सो so, तो ये जो चीज़ें छोटी छोटी जो हम बोल रहे हैं बॉडी को परेशान करने के लिए करना होती है हेल्थ के लिए ये फिक्स टाइम पे रोज सेम करते जाओ कि कभी भी कुछ भी अलग अलग चीज़ें करते इफेक्टिवनेस के लिए कभी भी कुछ भी करते हो इट विल वर्क फिक्स टाइम का फायदा ये होता है कि वो हैबिट बन जाती है hmm. तो एफर्ट नहीं होता कि अगर आ, अगर मैं डेली कुछ नहीं करता हूँ तो आज करने के मुझे एफर्ट लगाना पड़ेगा या राइट बट ऑटो पायलट जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने जब यू नो ना नॉट रिलीजियस बॉडी बट एट यू नो आई रियली बिग इन टू ग्रीन टी एक्सेट्रा तो मेरा प्रोसेस है कि कोई मेरे को आके मतलब हर तीन घंटे में मेरा हमें कप रख देता था जैसे यहाँ पे भी चाय का कप रखा हुआ तो मैं पी रहा हूँ मतलब मुझे सोचना नहीं पड़ रहा है एज लॉन्ग एज यू नो वर्सेस अगर कभी भी करना है तो फिर सोचना पड़ेगा कि कहाँ से लाऊँ कब करूँ yeah. भूल गए तो नहीं होगा तो दैट मेक्स ए सी अल्टीमेटली हेल्थ ओनली वर्क की जो भी है वो काफ़ी लंबे समय तक तो हो रहा है आप एक दिन जाके सुबह दस किलोमीटर दौड़ दो जाओ तो ऐसा नहीं होगा कि परसों से यू नो यू विल बी स्टार्ट राइट बट इफ यू आर रनिंग इज अ बिग पार्ट ऑफ योर लाइफ यू रेगुलर कीप डूइंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रियली दें सो टू टू हैक्स तो हमने फिगर कर लिए फर्स्ट हैक वर्स आपका वन मिनट रूल जो right. कि कहीं वन मिनट तुम प्लैंक मार लो उठते Absolutely. से या कुछ भी करो सेकंड वर्स बॉडी को परेशान करो छोटा छोटा कहीं पे हर जगह yeah. तो एब्सटेंस बोलते, बोलते हैं रिलीजन में एब्स्टिनेंस बोलते hmm. हैं जस्ट जो भी चीज़ आप कंज्यूम करते हो थो थोड़ा रुक जाओ इवन आज की तारीख में तो फोन को दो घंटे के लिए रख दो So so uh, so नहीं होता है <laughs> बहुत जरूरी है बस यू नो दो स्टिलनेस क्रिएट करना और डिस्ट्रैक्शन हटाना उसके बिना सोचने का टाइम ही नहीं मिलता देखिए yeah. सी हम सब लोग दिन भर कंज्यूम करते रहते हैं इनपुट 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 बट इनपुट का प्रोसेस कब करोगे लेटिंग क्रिएटिंग द स्पेस टू यू नो पहले द वर्ल्ड ऑफ पास्ट बहुत लोग बोर होते थे, थे. ग्रोइंग का को बहुत टाइम ना पूरा आफ्टरनून खाली होता है यार गर क्या करें मतलब कॉमिक बुक पढ़ ले शायद बट कुछ नहीं होता अब अब कोई बोर्ड नहीं होता इतने सारे यू नो इंगेजमेंट तरीके बना गया बट उसके चक्कर में ना दिमाग को खाली समय भी नहीं मिलता सोचने का प्रोसेस करने का सी दैट इज अ बुक आई रियली लाइक डीप वर्क यू नो टॉक्स अबाउट एंड यू टॉक अबाउट क्रिएटर राइट क्रिएट आई एम एजूमि लॉडो यू क्रिएटर्स माइंड भी डूइंग डीप वर्क क्योंकि वो कुछ नया बना रहे हैं नया बनाने के सोचना भी होता है यू हैव टू सिट विद पेन एंड पेपर और ढंग से यू नो यू आर स्क्रिप्टिंग इट यू आर फिगरिंग आउट योर शूट्स वट एवर राइट सो वो ऐसे चलते चलते नहीं हो सकता कि कुछ और कर रहे हो बिजी हो डिस्ट्रैक्टेड हो बट मोस्ट पीपल अपने लाइफ में वो स्पेस नहीं क्रिएट कर पाते तो यू नो बट वी कैन ऑलसो यूज अ दिमाग को परेशान करने वाली चीज़ राइट क्यों अभी इट विल रिक्वायर लॉट ऑफ यू नो कॉग्नेटिव एफर्ट बट वो थोड़ा विल पावर डेवलप होगा एंड विल पावर इज यस आप फोन से दूर रह, सकते हो, कल को बर्गर से भी दूर रह पाओगे because, I, I told, uh, it, कि बहुत सारे क्रिएटर्स करते होंगे तो मैं, मैं भी एक चीज ही करता हूँ एंड आई थिंक ये बहुत ये मैं एफर्ट भी नहीं डालता राइट आई थिंक मतलब ये इतने सालों से सा मैं कर रहा हूँ कि मुझे सो uh -huh. so, मेरे ना जिस रूम में मेरी वॉल पे इट्स वाइट वॉल राइटेबल वॉल ठीक है तो मैं दिन में आधा घंटा बैठ जाता हूँ रात में सोने से पहले और दीवार के सामने बैठा हूं, कुछ कर नहीं, नहीं, नहीं कर रहा हूँ बढ़िया लाइक like, भैया कुछ भी नहीं कर रहा बहुत बार ऐसा होता है जहां पे पूरी दीवार भर दूंगा कुछ ना right. कुछ बिजनेस मॉडल हाँ. बना के कुछ आइडिया लाइक कभी मैं सिर्फ ड्रॉ कर दूंगा कभी मैं कुछ भी नहीं करूँगा बैठा हुआ और अपने इट मे सिटिंग विद एंड पेपर लाइक आई रिकमेंड दिस एक्सरसाइज टू लॉट ऑफ पीपल आप एक ब्लैंक शीट ऑफ पेपर ले लो एक पेन ले लो और रूम में बैठ जाओ सारा कुछ बंद कर दो जस्ट एंड डोंट गिव एनी वर्क लाइक थिंग इन योर है सारे आइडियाज आपके पास हैं जिनको ऊपर आने का समय नहीं मिलता कभी बिकॉज यू आर ऑलवेज रनिंग फ्रॉम वन एक्टिव टूर कंटिन्यूज बिजी राइट सो आई थिंकनर्स कैन अडोप्ट जस्ट मे बीस ये प्रोडस खत्म होगा आप एक ब्लैक पेपर और पेन लेकर बैठ जाओ पंद्रह मिनट के लिए And just see what happens. Yeah. Oh, it's, it's beautiful, you know, and there was a science which I read. Ki, so there's body and there's brain. Right. Okay. So brain is your master, body Correct. is your servant. Hmm. Right. But things that body becomes master and brain becomes servant. <laughs> right. 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 Ki, for example, I'll tell you, jase, the biggest thing is to sit Correct. You know, your body comfortable comfortable that your brain...

अगर सीधे बैठना आदत बना लेते हैं और खड़े होकर फोन कॉल करना आदत mm -hmm. बना लेते हो तो ऑटोमेटिक उसका कंपाउंडिंग इफेक्ट ओवर ब्रेड के ne लिए सप्लीमेंट्स होते हैं राइट सो योर एज एन ऑनटरप्रोर मल्टी मल्टी मिलियन बिलियन डॉलर एम्पायर्स ओके बहुत ज्यादा हाई स्टेक होल्डर्स हैं बहुत एम्प्लॉयज हैं mm -hmm. बहुत पैसा है बहुत बहुत सारी चीज़ें मेंटेन करनी है और क्वेश्चनेबल एंड ऑल्सो क्वाइट एडिक्टिव इन नेचर सो आई थिंक माई ब्लैंकेट एडवाइस विल बी स्टे अवे फ्रॉम न्यू इफ यू अ पर्टिकुलर मेंटल हेल्थ इशू एंड अट्रिस्ट रिकमेंड यू सर्टन थिंग्स यू हैव टू वेरी केयरफुल्रोच टेम्परी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा बट आपको उस पर हैबिटिट फॉर्मिंग भी हो जाएगा hmm. उसको छोड़ना बहुत मुश्किल होगा तो आई डों जनरली ब्रेन कॉग्नेटिव पावर बूस् करने के लिए कैफिन इज अ नो ग्रेट सब्सटेंस इन अर्ली मॉर्निंग ब्लैक कॉफी इन नो डज द जॉब फॉर मी यू नो स्लीप वर्क इनो वर्कआउट वर्स इन यू शूड डू ट्वेंटी बर्पीजी नो एक अलर्टनेस आ जाएगा वेरी नेचुरल वे टू ट्रेन यूर ब्रेन फोकस एंड इतने काम करने के लिए यू डील किए जाएक के लिए बिल लेना चाहिए बूस्ट विदर्ड ऑफ पोटेंशियल लॉन्ग टर्म डैमेज बिकॉज

Okay. So focus? Last question and then meditation is a phenomenal tool, right? And mean medit boring meditation. Sorry to no. say this, but see it depends on you know what you mean. Like, you know, you can change meditation. Like for a lot of people, music is meditation. If you like listening to music, but only listen to not passively. You just focus on your music. You know, pick up your best, you know, favorite artist. Some people like art, you know, you can look at that. Um you can just go out in the nature. Just walk in nature, right? That's very meditative, you know, in Japan, they call it forest bathing, right? So, you can do that. Find something that you, which is passive in nature. You know, you are not putting too much effort to do that. Mm -hmm. And also build slowly. I think meditation also, once people get the habit of it, it becomes immensely enjoyable as well. But start is I think I also struggled. I I stop, start, stop, stop But now I am able to do it and It's a phenomenal effort. But see, if you, nothing comes in life for free. Like, if there is a solution to me, you do

तो बहुत ज्यादा ट्रेंड वो भी करता हूँ कि हफ्ते में दो दिन ऐसे होंगे जहाँ पर मैं बोलूंगा कि काम से रिलेटेड कुछ नहीं सोचना right. पे. तो मुझे रैंडम ही सोचना है तो एक right. बार तो कार बना ली नई टाइप की ah, कि भाई कार right. कैसे बनती है <laughs> क्रिटिकल uh, मतलब एकदम जरूरी है hmm. उसके बिना कुछ अच्छा काम करना बहुत मुश्किल है यू नो बिकॉज यू आर देन ओनली कंज्यूमिंग टेकिंग इनपुट्स एंड नॉट न्यू आई हैव डेज एंड आवर्स आई जस्ट डू नथिंग आई लव इट कुछ नहीं करना इज द बेस्ट थिंग टू डू बिकॉज इतने आइडियाज आते हैं ना वाइल्ड हो जाता है दिमाग राइट एंड इन फैक्ट आई थिंक देर आर टाइम्स मैं आई वॉन्ट टू कैंसल ऑल द मीटिंग्स कुछ नहीं। so yeah i think on this end i think i'll take inspiration from you while i'm talking about it i think i need to do a lot more or do nothing <laughs> so hopefully that's my takeaway in learning from <laughs> no thanks a lot you've been a blessing to be here thanks a lot for sharing all these insights give me one last uh, actually two last questions Just sub push them look but quick quick sure okay one is if you had to give one advice to all our listeners to grow which is like a basic very basic right let's make it interesting ah. what's the best advice you have heard tell me that you have heard you have gotten the best advice you have gotten this is a quoted to charlie munger he is warren buffett's yeah. partner you know incredible guy you know came with all these mental models uh, and all of that so here's this thing um, take a simple idea take it seriously take a simple idea take it seriously i find in life key it's so powerful लाइक फॉर एग्जाम्पल इन्वेस्टमेंट यू नो 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 कम्पाउंडिंग की बात करते हैं सबको पता है यू you नो know, आप कोई बेस सेलिंग बुक पढ़ लो सब लोग होता है बट रियली टेकिंग सीरियसली एंड कंपाउंडिंग समथिंग योर लाइफ फॉर नेक्स्ट थर्टी ईयर्स वो लोग नहीं करेंगे राइट तो आई थिंक आई हैव सीन दैट वर्क लाइक फॉर माई माई लाइफ यू नो ऑन्टरप्रीनरशिप करते करते मेरे को अभी पच्चीस साल हो गए हैं हेल्थ फिटनेस में भी ऑलमोस्ट यू नो बीस साल से ऊपर हो गए हैं रीडिंग लाइक अकॉर्डिंग टू हैबिटिफ़ रीडिंग कॉलेज में तो उसको करते करते तीस साल हो गए हैं एंड ऐसी बेनिफिट है उसमें hmm. कुछ रॉकेट साइंस नहीं है बट यू नो जस्ट आई टूक दिस सिंपल आइडिया रीडिंग में कुछ रॉकेट साइंस नहीं है वो आप भी पढ़ सकता हूँ भी पढ़ सकता हूँ राइट फिटनेस में यू नो वंस यू गेट इन टू दिस हैबिटिट बट सस्टेनिंग फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम सो टेकिंग बट एवर द सिंपल आइडिया एंड टेकिंग सो सीरियसली दै यू नो आई मेज्यूम यू आर टेकिंग पॉट वेरी सीरियसली राइट आई मीन यू कम ए लॉन्ग विन लास्ट वन ईयर बहुत सारे लोग ट्राई कर रहे होंगे राइट बट यू प्रॉबली यू नो पेंग लॉट मोर टेंशन टू डी फीलिंग स्मॉल थिंग्स आउट सो आई थिंक दैट्स यू नो कुछ भी चीज़ पकड़ लो बट टेक इट वेरी वेरी सीरियसली एंड देन ओरिएंट हो लाइफ अराउंड इट नाइस take simple things, take it seriously. and what's the worst advice you've gotten? that uh, this is quite you know, popular, among, especially among youngsters. maybe i also suffered from it. i said, like, you know, me, i time, i have have been like, my life, right? this is like absolutely, you know, bogus. like for most, especially, you know, the time we live in, you know, we have so much time ahead of you, even if you're in 30s, 40s, 50s. लाइक एक नाइका का एग्जाम्पल ले लो फाल्गुनी ने स्टार्ट किया था नाइका एट ऑफ फिफ्टी तो जब तो तो उनके साथ इतना टाइम था कि टू तो बिल्ड अल कंपनी इन यू नो टेन ईयर टाइम फ्रेम सब कैसा टाइम चार्डिंग की बात कर रहे थे वो नाइन्टी एट साल के हैं वो अभी बक्शर हाथ में चलाते हैं राइट एंड ही इज नॉट गिविंग अपन हज ब्रेन इज अजर्वर तो आई थिंक इट अ रियली बैड जो करना अभी करना तो टाइम नहीं मिलेगा ऐसा कुछ नहीं आई थिंक बहुत टाइम है नाइस नाइस थैंक यू सो मच फॉर बींगर Thanks a lot for actually helping us. I I loved your insights. I hope that we keep doing this more and more absolutely and इनसाइट्स आई होप दैट raj you know I <laughs> phenomenally enjoyed it. इस एपिसोड में हमने बात करी हेल्थ की हर एपिसोड में हम पैसे की बहुत बात करते हैं ग्रोथ की बहुत बात करते हैं पर हेल्थ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर हेल्थ सही नहीं है ना तो कुछ नहीं होगा मैंने ये बहुत लेट स्टार्ट करी मेरी जर्नी में बट आई रिक्वेस्ट एवरी वन ऑफ यू टू अंडरस्टैंड अबाउट योर बॉडी इन मच बेटर वे और अगर आपको जानना है बॉडी के हैक्स नई नई चीज़ें कैसे आप अपने गोल्स अचीव कर सकते हो कैसे अपने माइंड को ट्रेन कर सकते हो बॉडी को कैसे ट्रेन कर सकते हो कि आपकी लाइफ स्टाइल इतनी बढ़िया हो और आप इतना शार्प फोकस हो जाओ कि आपका करियर भी बहुत तेज़ी से ग्रोथ हो देन यू कैन रीड द बुक बाय मुकेश पंसल इज न्यू बुक कॉल्ड हैकिंग हेल्थ विच इज़ रिटर्न आफ्टर लॉड ऑफ रिसर्च और बहुत ईजी तरीके हैं बहुत ईजी ईजी वेज में उन्होंने समझाया है Go check it out. Until the next episode, keep figuring out. And please, before leaving, like, subscribe, share, comment, and let us know what you like and what you didn't like. Thank you so much.